एंड आज जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है इन कीपिंग विद जो हम ग्लोबल शेडोई पॉलिटिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं आज हम बात करेंगे लीक्स जी लीक्स और स्पेसिफिकली उसके जो बानी हैं और उसको लेके चलने वाले जूलियन असान जो एक ऑस्ट्रेलियन एक uh, है जर्नलिस्ट है. हैकरेशनस Uh, थोड़ी हमें इंट्रो आप दे सकते हैं पहले कि एग्जैक्टली विकी लीक्स है क्या इसली विकी लीक्स जो है वो ड्रॉप बॉक्स की तरह ऑपरेट करता था इट वॉज़ अ जर्नलिस्टिक प्लेटफॉर्म जो जूलियन सॉज ने कुछ अपने पार्टनर सा डिवेल्प किया एज ए यंग जर्नलिस्ट उसका कॉन्सेप्ट ये था कि आप जिस तरह एक गूगल ड्रॉप बॉक्स होता है या कोई भी ऑनलाइन सर्वर होता है उस पर आप अनोनमसली या उनके साथ कम्युनिकेट करके आप कोई लीकड हैक्ड इन्फॉर्मेशन किसी भी गवर्नमेंट या डीप स्टेट इदारे की जो आवाम के मफाद के खिलाफ या उस मुल्क की पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के ख़िलाफ़ हो उसकी विसल ब्लोइंग करें आप हाँ। और उस विसल ब्लोइंग में जो <coughs> कानूनी कार्रवाई होती है इस तरह कम्प्यूटर्स है है एस एक्ट्स होते हैं आर्मी एक्ट्स होते हैं मुख्तल ममालिक मुख्तफ कवानीन होते हैं उसको सर नेविगेट करने के लिए उसको साइड स्टेप करने के लिए आप जर्नलिस्ट को डेटा लीक करें ताकि आपका नाम भी ना नमस रहे और आपकी आइडेंटिटी भी प्रोटेक्टेड रहे इस विकी के प्लेटफॉर्म के थ्रू और फिर वो जर्नलिस्ट इदारों के साथ मुख्तफ बड़े अखबारों के साथ नगोशिएट करके उसको पब्लिश करवाएं एज ए न्यूज़ स्टोरी बिकॉज एज ए जर्नलिस्ट ये तो नहीं है कि वो स्पेशल फ्रीडम ऑफ स्पीच इन्जॉय करते हैं बट उनके पास एज़ ए जर्नलिस्ट ये राइट जरूर होता है कि वो अपनी सोर्स को कॉन्फिडेंशियल रखें और वो किसी भी मटेरियल को पाए हुए मटीरियल को पब्लिश कर सकते हैं और वो एडमिसिबल इन कोर्ट भी हो सकता है कल को बिकॉज वो तो एक जर्नलिस्टिक तौर पे उसको पब्लिश करे एज़ अपोज टू अगर एक विसल ब्लोअर लीक कर दे तो वो एडमिसिबल इन कोर्ट नहीं होगा बिकॉज वो जिस तरीके से लिया गया होगा यानी हैक करके लिया गया होगा या अपने उहदे को एक्सप्लाइड करके आपने लीक किया होगा डेटा को तो वो इनएडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ होगा और सब्सिक्वेंटली पब्लिक ओपिनियन के अंदर भी उसको बैन करने की या उसको रिडेक्ट करने की गुंजाइश होगी सो असेंशली विकी लीक्स एक जगह गह लें जहाँ पे जो भी

अपने गवर्नमेंट सोर्सेज से बात करके दूसरे जर्नलिस्ट से कम्युनिकेट करके एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेइजेश डिक्लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन उसके दफ्तर थे और जब थोड़ा सा वो हॉट प्रसूट में चलेगी दुनिया की हुकूमतें उसके पीछे तो वो फिर ये करता था कि वो आ, गैप शॉट अरेंजमेंट्स करके ही वॉज जो जूलियन असांज खुद थे ही वॉज जेट सेटिंग पूरे यूरोप के अंदर और साउथ अमेरिका के अंदर के अंदर और वहाँ पर वो टेम्परिरी ऑफिस सेटअप करते थे यानी लेट्स मंथ्स लगेंगे टू बिल्डअप टू अ बिग स्टोरी फिर वो एक टेम्प्रेरी ऑफिस सेटअप करते थे वहाँ पे एक सर्वर बनाते थे नया उसका उसके ज़रिए फिर वो मुख्तलिफ बड़े पब्लिशिंग हाउसेज से न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया रॉयटर्स हो गया वाशिंगटन पोस्ट हो गया मुख्तलिफ़े उनसे कम्युनिकेशन लाइन खोलते थे और फिर उनमें से एक को मनाते थे कि वो पहला उसकी पब्लिशिंग करें ऑफिशल स्टोरी उस की उससे फिर ये होता था कि एक और एक मज़ीद जो एक नगेटिवटी का वो जो आपको हीट मिल सकती है सरकारी महकमों से इदारों से उसको साइड सेप करने के लिए एक अखबार बली का बकरा बनता था फिर बाकी सारे कहते थे हम तो कॉपी अब तो कॉपी जर्नलिज्म कर रहे हैं हम तो सिर्फ पब्लिश कर रहे हैं रीपब्लिश कर रहे हैं एक ऑलरेडी पब्लिश्ड स्टोरी को तो इसमें जूलियन असांज की एक लाइफ की अगर आप प्रोजेक्टरी देखें तो आपको समझ आएगा कि क्यों स्पेसिफिकली हैकिंग की दुनिया में वो क्यों इसमें और इस तरह की लीक्स में क्यों उनका रोल ज्यादा रहा है इसके लिए एक अगर हम टाइम लाइन बनाए तो शुरू करते चुके हैं कि वो एग्जैक्टली कौन था और वो किस तरह उसने लीक्स बनाया जूलियन असान एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन थे और फिलहाल अभी भी अभी भी ऑस्ट्रेलियन तो की सिटीज़नशिप नहीं रही वो कोई बट ही इज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न और एटीज़ के अंदर जब वो टीन थे फिफ्टीन सिक्सटी ईयर ओल्ड थे वो उन्होंने एक टेंडेंसी डेवलप कर ली कि क्योंकि वो जिसका गिफ्टेड बच्चे होते हैं ही वॉज अ विजर्ड सही विज बच्चे नहीं होते बहुत स्मार्ट होते हैं प्रोडिजी चाइल्ड थे वो वो कंप्यूटर के अंदर उस वक्त जारी बात है कम्प्यूटर का अरूज आ रहा था और बड़े लीड सर्कल्स के अंदर जो मैथ्स को इन्जॉय करते थे बच्चे या इंजीनियरिंग को या साइंस की फील्ड्स को वही कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते थे घरों के अंदर या आपने कैफ़ वगैरह में ही डेवलप्ड स्किल्स एज अ हैकर अगेन उस टाइम पे हैकिंग ज़्यादा रूडमेंट्री और ज़्यादा मैं कहूँगा इतना टी प्रोसेस नहीं था और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी और बड़ी बड़ी कंपनीज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना वेल well डिवेलप्ड नहीं था तो ही एज अ टीन एजर एज जस्ट एक्सरसाइज ऑफ इज़ न्यू फाउंड ना बच्चे को एक बंदर के हाथ में माजर की तीली आ जाती है यंग बच्चे हैं हाइपर इंटेलिजेंट हैं Isolated, इस तरह के लोग अक्सर आइसोलेटेड भी होते हैं माशरे से जिस तरह हमने पहले एडवर्ड सोडन के मामले में बात की थी कि वो कंप्यूटर नर्ड इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो ज्यादातर सिविल सोसाइटी को ज़्यादातर माशरे को अवॉइड करते हैं तो ये भी computer विज़ थे हैकर uh, बन गए आप नाम लें बोइंग uh, तीन चार और बड़ी कंपनी पैनासोनिक तीने को हैक किया है बिफोर दफ़ ट्वेंटी बिफोर द्वेंटी ट्वेंटी की एज में इन्होंने एक सरकारी महकमे की के कारण की किसी गवर्नमेंट के किसी सरकारी महकमे की वेबसाइट को हैक करने की या उनके मेन फ्रेंड को हैक करने की कोशिश कर रहे थे उस दौरान वो पकड़े गए तो मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त कि वो कौन सा महकमा था या किस मुल्क से मुंसलिक तो था लेकिन मेरा शक है कि वो कैनेडा का था ही वॉज सब्सिक्वेंटली ट्राइड एंड अरेस्टड एट दफ़ सम्वेंटी समथिंग तो लेट एटीज़ में फिर उन्होंने जेल में दो तीन साल गुजारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर Uh, वहाँ से निकल के ऑबियसली एक रेफरमेशन तो आती है इंसान के अंदर और स्टेट अपराइटस के लिए कोई एक किस्म का फंडेटा भी इंसान का क्रिएट हो जाता है जब वो देखता है अंदर से कि जेल की क्या हालतें होती हैं और कैसे कैसे मासूम और नॉट सो मासूम लोग जेलों के अंदर होते हैं और वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड होता है क्राइम का और क्रिमिनलिटी का और स्टेट की जो मैशनेशनज़ हैं इनर वर्किंग्स होती हैं वो इतनी इनोसेंट नहीं होती वहाँ से निकल के उन्होंने कहा कि यार मैं जर्नलिज्म की तरफ आऊँगा और मैं अपने कंप्यूटर स्किल्स को उसके लिए इस्तेमाल करूँगा तो डेफिनेटली एक नोबल कॉज है जर्नलिज्म बहुत दलेरी का काम होता है मतलब तो पिछले दिनों आप देखें कि जमात इस्लामी के जो सदर हैं पाकिस्तान में उनकी रैली की सराजुल हक साहब जो, हाँ जो हैं उनकी रैली के ऊपर धमाका हो गया एक छोटा था अल्लाह का शुक्र है कि वो उसका जो फ्यूज़ है या कुछ उसका जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो नहीं ट्रिगर हो पाया लेकिन आप इस नज़र से भी सोचते हैं कि जो जर्नलिस्ट इन चीज़ों को कवर करते हैं इतने बड़े बड़े मजमे प्रोटेस्ट रायट्स जर्नलिज्म के अंदर कुछ इंटरेंसिकली बड़ी एक नोबल सी ए, एक कुछ इग्नोबल एस्पेक्ट्स भी हैं बहुत के वो यू नो दे आर वस्टिक और वो लोगों की लाइव्स में इंट्रूड कर रहे होते हैं बट बुनियादी तौर पे कुछ खासतौर पर पॉलिटिकल जर्नलिज्म है उसके अंदर कोई नोबल भी बड़ी एक पर होती है कि आप इतने विलिंग हैं टू रिस्क योर ओन लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने अपने पर्कस को अपनी रिलीजन को इन सोसाइटी क्योंकि आपने लोगों को इनफॉमेसन को पहुँचाना है क्योंकि यू फील द नीड के जो नेशन स्टेट है उसकी जो सीक्रट ऑपरेशन हैं ख़ासतौर पर जो पिछले सौ सालों में डेवलप हुए हैं वो ऐसे हैं कि अवाम हैज़ अ राइट टू नो अदरवाइज अवाम एक इंफॉर्म पब्लिक नहीं होगी तो इनका भी यही कॉन्सेप्ट था कि यार आवाम मिसाल तौर पर उस ज़माने में पीक पे जब ये विकिलिक्स बनी 1999 में और उसके बाद ये वॉर एंड टेरर का कल्चर सारा शुरू हुआ अब अमेरिकन अवाम फुली ऑन बोर्ड है इराक में हमला करने के लिए दे देव नो क्लू के हज़ारों लाखों सिविलियंस मारे जा रहे हैं वहाँ औरतें बच्चों को मलेस्ट किया जा रहा है लोगों को हरेस किया जा रहा है डिटेनमेंट पॉलिसीज कितनी बेहदा हैं आपकी कौम के बेटे बेटियों से कैसे बुरे काम करवाए जा रहे हैं यानी वो डी हीज़ हो रहे थे जहरी बात है जो सिपाही वगैरह जो कप्तान मेजर गामू चलाते होंगे या बगराम एयरबेस चलाते होंगे अफगानिस्तान में या वो जो इराक वाले का क्या नाम था अबू ग्रेब प्रिजन जो था वो भी तो कोई उसके बाद अनस्कर्य तो नहीं निकलते तो ही फेल्ट के अवाम जो है दे आर नॉट इन्फॉर्म ट्रू ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट जो डीप स्टेट्स होती हैं और डीप स्टेट्स एक इंटरनेशनल कबाल की तरह ही ऑपरेट कर रही होती हैं इनकी आपस में भी कम्युनिकेशन होती है या आपस में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन भी कर रहे होते हैं तो ये गोल था इनका जेल के बाद एज ए यंग जर्नलिस्ट भी कुछ देर काम किया बट देन इवेंचुअली कल्बिनेशन होती है नाइनटी नाइन में आई नीड टू बी एबल टू साइड स्टेप हैकिंग के खिलाफ एसपनाज के जो खिलाफ़ और इस तरह के लीक्स के विसल ब्लोइंग के खिलाफ जो कवानी है क्योंकि डिसंसेंटिवाइज़ किया जाता है जाहिर बात है वैसे तो विसल ब्लोअर लॉ बनाया हुआ है अमेरिका ने लेकिन वो लॉली पॉप है वो ये है कि आप वो कोटन कोट इंसेंटिवाइज़ करने के लिए उसमें उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी हुई है कि आप जब अपने महकमे के अंदर कोई करप्शन सिस्टमिक प्रॉब्लम्स या कोई अब्यूज़ ऑफ पावर देखें तो आप उसके चेन ऑफ कमांड के थ्रू रिपोर्ट करें बट विसल ब्लोइंग का बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि चेन ऑफ कमांड इज डीपली करप्टेड जो हायर की है इस केस के अंदर वो ही सिस्टमिकली करप्ट है या वो ही अब्यूज ऑफ पावर कर रही है तो जी आप चेन ऑफ कमांड फॉलो करें आप अपने सेनेट या पार्ल जो हमारे केस में पार्लियामेंट होती है उसके थ्रू आप कम्युनिकेट uh, करें और आप अपनी असम्बलियों के थ्रू प्रेशर डलवाएं उन महकमों के ऊपर पिछले बीस तीस सालों में जो बात रिवील हुई है नाइन्टीज ऑनवर्ड्स आम आवाम को वो यही यह हुई है कि आपकी पॉलिटिकल क्लास आपकी ब्यूरोटिक क्लास आपकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट आपकी इंटेलिजेंस ज्यादातर दुनिया के मॉडर्न के अंदर वो हैंड ग्लव होती हैं तो दिस आइडिया डेट सम हाउ पॉलिटिशन आर पीपल्स रिप्रजेंटेटिव दिस इज ट्रू एज मच एज के आप जितना उन पर प्रेशर डाल सकते हो इस हद तक सही है बट द मोमेंट के ऐसी कोई चीज़ आती है जो स्टेट अपराटस के खिलाफ होती है या स्टेट की वेरी रिट के खिलाफ होती है वहाँ का पॉलिटिशन कुछ भी नहीं कर सकता वो खुद या कॉम्प्रोमाइज होगा या वो खुद डिपेंडेंट होगा स्टेट अपरेटस के ऊपर इन सेंस या वो खुद अपने गुड विल के लिए उस एक्सेस की खातर दे विल नॉट बी वो बल्कि दबा देंगे इस तरह की स्टोरीज जबकि इस तरह की स्टोरीज को कई बार देखा गया दबाया गया और कई बार नहीं देखा गया बिकॉज वी आर नॉट इन द नो यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है जैसे सी आई ए है और वो कोई इस तरह का करप्ट काम कर का रही है तो कोई पॉलिटिशन विल नॉट बी विलिंग कि वो इस तरह पब्लिकली या इवन उस तरीके से वो उसके ऊपर दबाव पाए क्योंकि नंबर वन हो सकता है कि सी आई ए के पास उस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन हो या नंबर टू उनको जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो तो यानी कि वो एक टफ सबसे बड़ी इसकी मिसाल है, है जो इंटरनेट जर्नलिज्म की जिस जो जिसने आप समझ लें कि जिसने बुनियादें रखी हैं मुझे जर्नलिस्ट अनफॉर्चुनेटली नाम स्किप कर गया अभी जहन के अंदर बट ज़रूर हम आप उसको देखें जो सी आई ए का अपना केस है वो फ्री वे रिक का जो रिक रॉस था रिक रॉस एक तो रैपर है वो नहीं वो तो उसने उसके नेम शेक पे अपना नाम रखा है फ्री वे रिक या रिक रॉस एक गैंगस्टर था जिसने सिंगल हैंडेडली लॉस एंजलिस की जो हेरोइन की ट्रेंड्स हैंटीज़ के अंदर और हेरोइन का कल्चर सेट किया था वो उस बंदे ने किया था और फ्री वे रिक उसको इसलिए कहते थे क्योंकि वो फ्री के ऊपर वो हेरोइन की सेल तो वो हाईवेज़ के ऊपर ना फ्री वे रिक के बारे में जिसने स्टोरी ब्रेक की थी जर्नलिस्ट ने वो हर जगह डिस्क्रेडिट हुआ था उसको अपने अखबार ने भी फायर कर दिया था बहुत मसले हुए गैरी वेब तो बिल्कुल गैरी 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 वेब। गैरी वेब। एक आम सा आदमी है उसको आप देखो उसने स्टोरी को पिक करना शुरू किया की जो ड्रग ट्रेड थी जो एक्वाडोर के अंदर इन्हीं में से था कोई नॉर्दन ये जो साउथ अमेरिकन सेंट्रल तो अमेरिका के अंदर जो आ, रे, रे, रेबल काजेज थे उसको सपोर्ट कर रहे थे अमेरिकन और उनकी जो हेरविन और कोकैन की स्मगलिंग होती थी उसको सपोर्ट करके अमेरिकन ऑडियंस को बेचते थे ताकि वहाँ से फंड्स को रिपेट्रिएट करके वो वहाँ पे अपने रेबेलियन और कु को संभाली रखें फ्री वे रिक जो था वो उसका आप समझ लें लिंच पिन था उसका पिपिटल पीस था तो इस तरह की जो ऑन ग्राउंड सेल यानी कि वो वो कह रहा पूरी मैनेज एट उसका ऑपरेशन इतना बड़ा हो गया था कि दे हैड टू हायर पीपल टू काउंट द मनी अच्छा दे हैड पीपल सेपरेटली फिर फ्री बेस को केंज जो होती है जो ये पाउडर के साथ कुछ ऐसी मैनिपुलेशन करते हैं कि वो ज्यादा एडिक्टिव और ज़्यादा हार्ड हिटिंग ड्रग बन जाती है जो क्रैक भी कहते हैं क्रैक है बैठे में कब आई ये बंदा है और उसके कोर्ट केसेस में इसने बाद में टेस्ट भी दी थी कि भाई मेरी क्या औकात है मेरे अगर कंधे थपकी ना होती सी आए आई की तो निकारा हुआ मैं निकारा हुआ थैंक यू निकारा हुआ हाँ, मैं था हाँ निकरा हुआ मैं अभी क्लिक किया ये बंदा इस तरह के जो केसेस होते हैं खैर मैं क्यों कह रहा है गैरी वे अपने इंटरनेट जर्नलिज्म को पायनियर किया था बिकॉज पहली बार इसने जो आर्टिकल की सीरीज पब्लिश की थी ना उनके अंदर उस तरह से हाइपर लिंक मौजूद होते थे टू अदर वीडियोज एंड टू फोटोग्राफिक एविडेंसिस तो जो मॉडर्न आर्टिकल है ना ये इस बंदे ने बनाया है ये दुनिया का बड़ा विसल ब्लोअर इससे और क्या हो सकता है अगेन ही वॉज नॉट द विसल ब्लोअर ही इज़ द जर्नलिस्ट हु वर्किंग विद विसल ब्लोअर ही वर्किंग विद समझ जो साइडनिस्टाज के साथ काम करता रहा था गैंगस्टर वो खुद भी था उसने इसको बातें लीक करना शुरू की थी तो पॉइंट मेरा ये है कि ऐसी स्टोरीज तो स्टेट कभी भी नहीं जाएगी कि पब्लिक डिस्कलोजर में आए जहाँ काउबॉयज बॉयज़ सी आई ए के या कोई और इंटेलिजेंस महमे के अमेरिका के वो, वो खुद भी पैसे कमा रहे हों और वो बड़े बड़े रिजीम चेंज ऑपरेशन और बड़ी बड़ी इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं और ड्रग ट्रेड के थ्रू ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू वेपन स्मगलिंग के थ्रू तो वाई वुड एनी स्टेट अपरेटस अलाउ विसल ब्लोइंग इस मामले के अंदर देखा जाए जो इनकी आर्ग्यूमेंट है आ, विकी लीगस वालों की और इस तरह के मुख्तलिफ जो फिर विसल ब्लोअर्स आए हैं हमारी लाइफ टाइम्स के अंदर जिस तरह एडवर्ड स्नोडन साहब है और उनकी इस तरह हेल्प ग्रैंड ग्रीन वर्ल्ड ने की थी इसी तरह विकी लीग्स वाले जिन्होंने सांझ ने हेल्प की थी ब्रैडली मैनिंग की इन की जो फ़िलासफ़ी है इंसारों की वे है कि यार स्टेट अपराटस जो है वो इंडिविजुअल्स की वेल्स पर चल रहा है वो इंडिविजुअल्स श्योरली दे आर कम्प्राइज ऑफ दैट डिपार्टमेंट और दैट डीप स्टेट बट ख्वाहिहश तो उन इंडिविजुअल्स की पूरी हो रही हैं ना कोर्स ऑफ एक्शन जो लिया जा रहा है जो डरेक्शन हिस्ट्री टेक कर रही है वो तो उन अफराद की मर्जी के ऊपर हो रहा है तो ये डेमोक्रेसी के सिविल लिबर्टीज़ के बेसिक इंसानी हरीत के कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ था और जो एक्सप्लाइटेशन हो रही है लोकल पॉपुलेशन की और इंटरनेशनल ऑडियंसिस की आ, वो अनफर्गेवेबल है फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते थे कि जिस तरह अफगानिस्तान और इराक वॉर है ना इस तरह की कोई डॉक्यूमेंटेड मतलब आवर टू आवर मिनट टू मिनट डॉक्यूमेंटेड वॉर्स इन ह्यूमन हिस्ट्री नहीं हुई इनकी बात बिल्कुल ठीक है कैमरे के दौर के अंदर इंटरनेट के दौर के अंदर मैथ मीडिया के दौर के अंदर तो वो आ, जब आज़ाद थे आसान साहब मैंने खुद इंटरव्यू में सुना का वो कहते थे कि ये जो सारी रिपोजिटरी है यू एस स्टेट तो क्लेम करती है कि हमारी, uh, है. Actually, ने ने ये हमारी ओनरशिप है बट एक्चुअली दिस इज़ दी ओनरशिप ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड इराक़ ये जो वीडियोज़ उनके म्यूजियमों में होनी चाहिए बिकॉज दिस इज़ देयर हिस्ट्री यानी अफग़ानिस्तान की मॉडर्न हिस्ट्री अब हम असली में इस लेंस से देखते ही नहीं हैं दुनिया को कि पचास साल बाद बच्चे जो हैं वो इमरान खान और नौ मई और पी डी एम और ये चीज़ें पढ़े होंगे ना पाकश डी सी किताब में सिमिलरली अफ़ान वॉर जो है इराक वॉर जो है आसान साहब कहते थे कि दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ द अफ़ग़ान एंड इराक पीपल उनका राइट है इसके ऊपर कि वो जाने कि कैसे कैसे उनके खिलाफ जंग कैसे कैसे, -कैसे, -कैसे, -कैसे उनके खिलाफ मजालम ढहे गए थे कैसे कैसी शरारतें उनके खिलाफ की गई थी उनकी तरफ से क्या प्रॉब्लम्स थीं कौन लड़ रहा था किसके खिलाफ किसने किसको बिट्रे किया तो ही फेल्ट दैट दिस वॉज अ बिकॉज वट ही डिड फॉर एग्जाम्पल कि अफगानिस्तान और इराक में जो कोलेबोरेटर्स भी थे लोकल उनके भी नाम पब्लिश कर देता था वो जो लोकल लेवल पर अमेरिकन हेल्प कर हेल्प कर रहे थे, थे। तो अमेरिकन तो आर्ग्यू करते थे कि तुम हमारे एसेट्स को थ्रेटन कर रहे हो बट ही डिड इट डो एक्टिवली तो वो आर्ग्यूमेंट करते थे कि नहीं हम इसको आफ्टर द इफेक्ट कर रहे हैं तो आपने जो कारनामा करना था कर लिए आपने जो स्ट्रेटजीज इंप्लाइ वो कहते थे हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं और हमारे डिफेंस टैक्टिक्स हैं वो एक्सपोज हो रही है। हैं खैर इनकी डिटेल्स में हम बाद में आते हैं बट हम विकी लिग्स की टाइम लाइन पर जाते हैं विकी लीगस की नाइनटी की फॉर्मेशन के बाद जरक भी टेस्टिफाई करेगा इस बात को आपको भी पता है कि देर वर नो मेजर ब्रेक थ्रूज इनफैक्ट नई हर्ड अबाउट वी की लीग मच लेटर सो दो हज़ार सात में भी दो हज़ार नौ में भी उन्होंने आ, कुछ रेवोलेशन्स की थी बट वो हिट नहीं हुई वो नेमली क्या रेवोलेशन थी पहले रेवोलेशन उन्होंने की कि दो हज़ार सात में उन्होंने दो हज़ार तीन के कुछ ईयर्स अर्लियर के जो गतानवों बे के ट्रेनिंग मैनुअल्स थे बे जो है वो अमेरिका का मशहूर साहिल है ये क्यूबा के क्यूबा का साहिल है क्यूबा का साहिल है ना गो उस साहिल के ऊपर कुछ अमेरिकन फॉरन टेरिटरी है तो वो टेक्निकली यू एस जोरिस्टिक से बाहर है तो उन्होंने वहाँ पर एक जेल और ब्लैक साइड बनाई हुई है और वहाँ पर हमारी बहन आफिया सिद्दीकी को भी उन्होंने कुछ साल रखा और कई मुख्तलि पाकिस्तानी अफगानी इराकी मुसलमानों की जेल थी वो बेसिकली वॉर की जेल थी और मजारटी लोग उसके अंदर वो रंगली एक्यूज थे बाद में प्रूव हुआ थे नहीं नहीं ओपनली एडमिटेड रंगली थे, थे बाद में माना है उन्होंने और उनको वहाँ टॉर्चर भी करते थे उनको मलेस्ट भी करते थे <laughs> कुरान की भी तजीक करते थे कुरान के जो मुसफ़ होती है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे उनके सामने उनको सेक्शुअल असॉल्ट भी करते थे उनको फिजिकल टॉर्चर भी करते थे उनको साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी करते थे उनको खाना भी उनको भूखा भी रखते थे फिर इस पर बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी वो जो चार भाई या तीन बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है वो देखें उसका नाम है फोर किंग्स फोर किंग्स और वो बड़ी सार्क उसका जो नाम है वो आपको रोंगटे दे देगा जब एक्चुअली फोर किंग्स वाले पॉइंट पे आएंगे वो इट इज अबाउट फाइव ब्रदर्स दे नॉट भाई नहीं बट पांच भाई यार बिल्ली कजन भी हैं दो और फिर बाकी दोस्त हैं यूके के मुसलमान पाकिस्तानी जो अफगानिस्तान जाते हैं चैरिटी वर्क करने इन दी इन दी प्लाइट ऑफ द अफगान वॉर दे फील के हमारे अफगान मुसलमान भाई उनके साथ ज्यादा हो रही है इस तरह कई लाखों हजारों लोग गए हेल्प करने उम्मत में से और गैर मुसलमान भी बहुत माशाल्लाह लोग आए अफगानिस्तान में और इराक में लोगों की मदद करने वो भाई पाँचों पाँचवा भाई उनका एयर रेड में एक कतल हो जाता है और दे नेवर फाइंड हिस्स बॉडी उसकी अब तक सेटिसन है बट अज्यूम्ड है कि वो एक एयर रेड के दौरान जो इन्होंने सर्वाइव की थी उसी टाइम गायब होता है तो वो कत्ल हो गया था शहीद हो गया था चार ये पाकिस्तानी यूके के सिटीजन जो हैं दे आर समेरली अरेस्टेड बगराम बगराम से जहाज बगराम एयरबेस एक अमेरिकन एक पुराना अफगानी जेल और एयरबेस थी उसका जेल था उसको उन्होंने कन्वर्ट करके एक और ब्लैक साइट बनाया हुआ था इन इंडिया अफग़ानिस्तान वार उसमें बड़े मशहूर जो आ, ये जो आ, हकानी साहब हैं जो भांजे हैं गलबन जलालुद्दीन हकानी के जो आजकल उनके मेरे ख़्या यूथ के कोई मिनिस्टर हैं क्या है तालिबान के वो उसके अंदर मौजूद थे और बगराम जेल के अंदर यवान इवा, रिडली जो जर्नलिस्ट हैं ब्रिटिश ईवान रिडली याद है आ था ना वो भी वहाँ पे एक ज़माने में हेल्ड रही हैं अमेरिकन इंकैम्पमेंट में क्योंकि वो मुसलमान हो गई थी और वो अब एंटी वार कवरेज करने आई थी पहली बार वो तालिबान के ज़माने में कैप्चर हुई थी नाइन्टीज़ में तालिबान ने कैप्चर किया था और वो तालिबान के अच्छे सलूक की वजह से और ये बात रोए लिबरल वगैरह के तालिबान ने एक अच्छा सलूक है भाई किया है उन्होंने कलमा पढ़ा है वो मुसलमान हो गई है वो अब एंटी वार इराक में भी जाती हैं युवान रेड्डी साहिबा पैलेस्टाइन में भी जाती हैं अफगानिस्तान में भी जाती हैं मतलब जी उनको जी वो उनको स्टॉक होम सेंटरों में भाई तीस साल हो गए हैं स्टाकोम सिंड्रोम नहीं ख़त्म हो रहा उनका ऐसी यानी बीमारी लाक हुई है उनको बताऊँ अकेले बताओ क्या है वो 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 बीमारी ये कि उनको ईमान आ गया इस्लाम आ गया उनको और ये हजम नहीं होता हमारे जो लिबरल भाई बहन है अब चाहे वो पाकिस्तान में चाहे दुनिया में कहीं भी हूँ यून रेडली भी वहाँ अरेस्ट हुई थी उस बकर एयरबेस में वो भी वहाँ कहती थी कि इतनी खौफनाक आवाज़ें आती थी छः जीरो पाँच कमरे से छ जीरो पाँच कमरा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का कमरा था कहती हैं ऐसी खौफनाक चीखें आती थी, थी उनकी कि रात को मुझे नींद नहीं आती थी कई बारी ये क्योंकि यू एके की सिटीज़न थी और गोरी चमड़ी की औरत थी तो इनके साथ ज़्यादा मामला ख़राब नहीं हुआ अलहमदिल्ला लेकिन हमारी बहन आफिया की क्योंकि उनकी चमड़ी गलत थी वो तो डार्क ही थी वो तो ब्राउनी थी और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो इस बदबख्त कौम की बेटी थी पाकिस्तान की जो किसी को ऑनरशिप ही नहीं करती पाकिस्तान उनको बीस साल हो गए अपने बच्चों से मिले हुए और अभी सैनिटर मुश्ताक मुश्ताक उनको हजरत ताफ़र हमारे दुनिया में भी और आख़रत में और जमात इस्लामी ने ही कभी स्टैंड लिया है कुछ पाकिस्तान के नज़रिया पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए बाकी तो मुझे पार्टियाँ को नज़र नहीं आती वो प्राइवेट हैसियत में वहाँ पर गए डॉक्टर फाज़िया के साथ जो उनकी बहन है और वहाँ उन्होंने बड़े शेख जो हैं यासिर काज़ी साहब जो इंडियन औरजन के अमेरिकन हैं उनके साथ भी कॉन्फ्रेंस किया है अमेरिकन पाकिस्तानी एंड नॉन पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी को भी अपील किया है मीटिंग्स की किए उनके पॉलिटिशियंस uh, के साथ लॉबिंग की है और डॉक्टर आफिया से भी मुलाकात की है दिस इज सेकंड मुलाकात इन टेन इयर्स एनी बडी इज़ हैड हर बदहाल थी दे हैव नॉट टोल्ड हर येट कि उनका बेटा छोटा वाला तीन बच्चे थे ना उनके एक बेटी एक बेटा और छोटा बेटा सुलेमान सुलेमान वज नेवर फाउंड आफ्टर हर इज डेड डिस शहीद हो गया होगा अमेरिकन ने वो खाता में मारा गया होगा जब पकड़ा होगा दिल डिड नॉट टेल हर कि ही इज़ डेड झूठ बोलते हैं उनसे उनकी वालदा फौत हो गई जी डोंट टेल हर कि उनकी वालदा फौत हो गई है ठीक है ना और यहाँ पे क्या बहस कर रहे हैं मैं सैयद मुजम्मल से मैं बहुत हाईली डिसअपॉइंट हुआ आपकी मतलब वो आइडियोलॉजी में अंधे नहीं हो जाते लोग बिल्कुल कि यार आपने प्रूव कर रहा हाँ यार इस्लामिज़म पैन इस्लामिज़म डिड नॉट पैन ऑल वेल well, एक्सट्रीमिज़म ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बट वो अजीब हारमोनोटिक्स में और सीमेंटिक्स में बहसे कर रहे थे लोग उनका क्राइम क्या था उनका क्राइम ऐसा था उनका क्राइम वैसा था लेटर भी ट्राइड इन अ पाकिस्तानी कोर्ट एंड देन बी एक्स्ट्रा आप इतने ट्रप हैं इतना डरते हैं अमरीकनों से इतनी इतने पुजारी हैं उनके निज़ाम के इतने आप वेस्टर्न फिलोसफी से इंस्पायर्ड हैं आप इतने बड़े ऊबर मैंश हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी मुल्क की सेंटी क्या होती है मैं कहता हूँ शी इज ए क्रिमिनल मैं तो बहस में नहीं पढ़ना चाहता था कि उन्होंने किया वो नहीं किया उन्होंने गन छीन ली उनका फ्रेम देखो यार उन्होंने अमेरिकन सोल्जर से गन गीन के दो अमेरिकन शी शुड बी ट्राइड इन पाकिस्तानी कोर्ट इफ शी इज फाउंड गिल्टी जो सिविल प्रोसेस है यार और वो एक्सटाडाइट हो फिर जिस तक दुनिया जहान में होता है और अगर पाकिस्तान को लगता है कि उसका ऐसा कोई पॉलिटिकल स्टेक है कोई मैनिपुलेशन हुई है केस के अंदर डोंट एक्सटाडाइट हर आप जरूरत दिखाएं ये यार इसमें क्या बात करनी कि ज़रूरतमंदी क्या होती है और क्या होती है और मैं मिसाल जिसकी दूंगा वो पसंद नहीं आएगी कि ऐसा भी एक मुल्क है जिसने कहा नहीं हमें एविडेंस दो हम ट्राई करते हैं ठीक है ना एक मुल्क है और वो आदमी भी इंतहाई कंटेंशियस है मैं मानता हूँ और वो मुल्क भी इंतहाई कंटेंशियस था लेकिन नेशनल सवरानिटी आप लोग नेशन नेशन स्टेट नेशन स्टेट झंडे से तो रहते हैं अफगानिस्तान की तरफ इशारा कर मैं अफगानिस्तान की तरफ इशारा कर रहा हूँ तो बुनियादी तौर पर बात यह है कि आपको आपके सिटीजन की जब तक वर्थ नहीं होगी एज एज वेल लोकली आप कभी भी कॉम नहीं बन सकते और फिर इससे बढ़ के मैं एक और बोल्डर क्लेम करता हूँ कि बहसीत मुसलमान मुल्क और बहसीत एज दी दीरी मॉडल जो कायदेजम चाहते थे साउथ एशिया के अंदररी मॉडल हो इस्लाम का आपके ऊपर तो डबल फर्ज है ये भी बातें नहीं हज़म होती सैद मजम्मल वगैरह को और बाकी जो हमारे लिबरल मैं सैद मजम्मल की बहुत रिस्पेक्ट करता था लेकिन उन्होंने बहुत पोंगी मारी है ये मतलब अजीब गरीब पोंगे आप वो वीडियो देखें उनकी इट इज़ ऑड इट इज़ एबनॉर्मल जिस तरह वो आ, उनको पुट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर आफिसदी की को आप इतने बेहम है आप इतने बेदल लें मैं कहता हूँ शी ए क्रिमिनल वाट इफ मेरे तो सुनियो यहाँ आप ऐसे इंसान साथ सलूक कर सकते हैं विदाउट ट्रायल विदाउट एनी लीगल काउंसिल आप उनको विदहोल्ड कर रहे हैं बीस साल के लिए उनको उनको सेक्शुअली आपको पता है एवरी टाइम शी हैज़ टू मीट समवन दो टाइम्स में इनकी फुल कैिटी सर्च होती है और यार वो तुम्हारी कैद में है फुल कैटी सर्च बाय द वे लोगों को नहीं पता इट इज़ अकििंग टू रेप वो आपके सारे जो ऑरफिस हैं आपके जो भी दाखिल और और खारजी रास्ते हैं जिसम के अंदर मैं मेंशारतन शारत, बात करते थे जैसे कान नाक और मुँह है इसके अलावा भी कुछ होते हैं तो वो आप सोच लें क्या होते हैं उनको अंदर से एक्सकर्ट करके सर्च किया जाता है हाथों के जरिए और आपको नंगा किया जाता है तो आपको लगता है ये कोई एहतराम है किसी इंसान का तो मुबारक हो आपको आपको आपकी आइडियोलॉजी मुबारक हो आप तो बहुत अजीम आदमी हैं और आपकी तो कौम की क्या ही बात है यही कौम रो रही होती है फिंगर टेस्ट के बारे में तो टू फिंगर टेस्ट है जो सेक्शुअल असोल्ट विक्टम्स के लिए रिकमेंड किया जाता है यार कोई अकल अकलमंद आदमी इसको मान सकता है टू फिंगर टेस्ट को इसका जहन चलता हो जिस तरह ये है उसी तरह वो है हम अद, आप क्लंप ना किया करें लोगों को ग्रुप्स के अंदर जैसे मैं प्रियम्पटिवली ये बात कर रहा हूँ किसके जवाब में कोई लिबरल भाई कहेगा कि यार आप लोग तो ऐसे हैं आप लोग तो भाई क्लंप क्यों करते हैं आप एज इंडिविजुअल्स बात करें फर्दाफर्दा बात करें एज ए फर्द आपकी क्या मॉरल कंपस है मैं अपनी कॉम की मॉरल कंपस को नहीं डिटेट कर सकता मैं अपनी इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी को लेता हूँ यही तो आपके वो निशे साहब हैं मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी वाले भाई जान जो हैं तो मास्टर मोरलिटी दिखाए ना आप कि आप आप अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द करंट चलते हैं और आप तो चीर देते हैं दरियाओं को और पहाड़ों को और सहराओं को और घोड़ों को झप्पी लगा लेते हैं कभी और फिर एंड में घोड़ों को झीली लगा के फौत हो जाते हैं ठीक है ना ये, ये बात नहीं समझ आएगी किसी को लेकिन William, Wilhelm, जो थे उनकी वफ़ात के बारे में हैदर ने मुझे बताया था बड़ी फैसिनेटिंग बात है वो एंड में ही ग्रैबड हॉर्स उसको कोड़े मारा था कोई, उसका मालिक शायद वो सामने आ गए कि यार इसको मत मारो और फिर वो कलेब्स कर गए और फिर उसके कुछ अरसा डिलेरियम में वो कलेब्स कर गए और वफात हो गए और फिर उनको पता लगा कि गॉड इज़ नॉट डेड वो मरने के बाद उनको पता लगा कि <laughs> तो खैर आप टॉपिक चले गए बट मैं इतनी तमहीद बांधने का मकसद है और ज़रक भी समझते हैं और आप भी समझते हैं कि आपको समझ आए कि कुछ लोगों के इंटरेस्ट की खातिर अमेरिकन भी बुरे लोग नहीं हैं वो भी ईसाई होते हैं यहूदी होते हैं या इवन एगनास्ट एथियसट भी होते हैं वो भी इंसान होते हैं किसी को किसी को पैदाइशी कोई ऐसा आदमी नहीं होता कि वो जाके के लोगों को टॉर्चर करे मोलेस्ट करे अकेला करे ये जहन साजी होती है जहन साजी होती है तो 2007 में जब इन्होंने ये मैनुअल्स रिलीज किए वो वेव्स नहीं फैली मार्केट में कि यार ये इतना बड़ा ट्रेनिंग मैनुअल था इट वाज कॉल्ड ट्रेनिंग मेन्यू जैसे बफे का मेन्यू होता है कि आप इफ इफ प्रिजनर इन ए तो फिर आपने एक्स टार्चर करना है बी करता है तो आपने वाई टार्चर करना है सी करता है तो आपने जेड क्रेक्टिव पिनल क्लास अप्लाई करना है उससे वेव्स नहीं शार्क वेव्स नहीं फैली फिर उन्होंने 2009 में अगेन ट्राई किया ने कमिंग बैक टू स्टोरी एस एम एस डेटा जो मैसेजेस का डेटा था डिजिटल मैसेज का डेटा था अराउंड नाइन अलेवन ट्वेंटी फोर आवर्स का वो कोई लाखों की तादाद के अंदर लीक किया बीपर्स बीपर्स होते, जो, जो होते हैं वो जो बीपर बीपर एक डिवाइस होती थी ना जो आप वेस्ट, वेस्ट पे लगाते हाँ, थे उस, पे जा जा उस आपको फोन के बजाय मैसेज आ जाता जा 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 था बीपर्स का डेटा उन्होंने लीक किया

उस तरह से प्रोग्राम नहीं थे बट वो ये इसकी एविडेंस है थे यहाँ मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा अभी भी नाइन अलेवन की स्टोरी फॉलो कर रहा है लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं है है। अभी रिसेंटली जस्ट मंथस बैक खबर आई है कि वो जो ग्यारह बंदे थे जो हाई चैकिंग वाले सारे अमल के अंदर शामिल थे उसके अंदर से दो बंदे पोटेंशियली सी आई एसेट थे उस पर अब एक बहस चल रही है अब एक काउंटर प्रोपागेंडा हो रहा है उनका मेन स्ट्रीम मीडिया डबल डाउन कर रहा है वो एक किस मुल्क गए थे भला ट्रेनिंग के लिए वियतनाम वो किसी एशियन मुल्क गए थे सी की एयरबेस थी वो बाहर तो ट्रेनिंग उनकी होती रही थी उनका सी का एक बंदा था जो डेजिग्नेटेड था उनको अमेरिका लाने में फिर अमेरिका में वो उनको उनके घर से पिक करता था उनको एयरबेस पर लेके जाता था

तो ये लोग फॉलो कर रहे हैं ये नहीं अभी अपडेट आई रिसेंटली मैंने कहा है दो हज़ार नौ वाली भी नहीं हिट कर पाई अनफॉर्चुनेटली जो 911 की स्टोरीज थी नहीं हिट कर पाई 2010 में और आई एम श्योर कुछ मंथ्स uh, या इयर्स बिफोर भी वो वर्किंग में ऑलरेडी कर रहे होंगे ब्रैडली मैनिंग कॉर्पोरल ब्रैडली मैनिंग फॉर्मर कॉर्पोरल ब्रैडली मैनिंग के साथ वो काम कर रहे थे विकीलिग्स वाले ये एक अमेरिकन कॉर्पोरल थे आर्मी के अंदर

वो डिसफ्रैचाइज हो गए थे इंतहा के तौर पर फ्राम द अमेरिकन वॉर एफर्ट इन इराक जो कि ऑब्जर्व कर रहे थे वो डायरेक्टली उन्होंने विकीली अब यहाँ पर अब सब एलर्जिड है ये बातें किसांज असिस्टेड हिम इन हाउ टू हैक और टू एक्सेस दी डेटा बेस और फाइल्स को जो मिसाल तौर पर ड्रोन से वीडियोज़ आ रही होती हैं हेलीकॉप्टर से आ रही होती हैं जहाज़ों से आ रही होती हैं बॉडी कैम से आ रही होती हैं फाइल्स मूव डिफेंस मूवमेंट्स पे स्ट्रैटीज़ पे इस तरह के उन्होंने डेटा उनसे अक्वायर करवाया उन्होंने और उन्होंने लीक्स करना शुरू कर दिए टू वी लीक एज ए विसल ब्लोअर और उसमें से एक डेटा डंप हुआ फिर बहुत बड़ा आफ्टर द इनिशियल बैटिंग और उसमें सुपर हिट हुई चीज़ जो है उसका नाम है उस वीडियो का मशहूर नाम है कोलेटरल मर्डर ऐसा होता है ना कोलेटरल डैमेज उन्होंने उसका नाम रखा है मर्डर यानी कि टरल डैमेज के अंदर इम्प्लाइड ये होता है कि ये हदफ और होता है और मर मासूम जाते हैं इन्होंने उसको ऐसे स्पिन किया और कहा कोलैटरल मर्डर के इंटेंशनली कत्ल किया गया आम सिविलियंस को और वो एक फुटेज थी 2000 ऑनलाइन अवेलेबल है सात की गालबन ऑनलाइन अवेलेबल है मैंने खुद देखी थी उस उम्र में मुझे याद है बड़ी खौफनाक थी वो कि 2007 की फुटेज थी इराक़ के अंदर एक अपाची हेलीकॉप्टर की पायलट की और उसके गनर की और उनकी कम्युनिकेशन्स की विद द बेस ऑडियो थी उसकी और विजुअल जो था उसका पी ओ वी था फ्रॉम द गनर्स पर्स्पेक्टिव यानी जो गन जहाँ एम कर रही हो उसकी वेपन अट्ठारह सिविलियंस ग्रुप में इकट्ठे हुए हुए और वो इतने क्लोज डिस्टेंस के अंदर है कि उनको क्लियरली आवाज आ रही है अपाची हेलीकॉप्टर की उसको इग्नोर कर रहे हैं ठीक है अमेरिकन हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर यानी वो मिलिटेंट्स किसी एतवार से नहीं हो सकते थे कि आउट इन दी ओपन एक शहर के चौक के अंदर दिन द्यारे दोपहर को इराक़ की एक दोपहर को तपती गर्मी में अठारह बीस लोग खड़े इट्ठे कैसे बात कर सकते हैं कि सामने आई अमेरिकन हेलीकॉप्टर है तो प्रूफ भी हो गया था प्रूफ हो, हो, हो गया था, था।, था। उसमें से दो लोग राइटर्स जो है उसके जर्नलिस्ट थे कैमरा मैन थे अरब डिसेंट के मुसलमान ही और उनके पास कैमरे थे बाद में यूएस स्टेटमेंट जो आई ऑफिशियल कि नहीं नहीं वो कैमरे में आर पी जी लग रहे थे यार वो आर पी जी पकड़ के वो गपिल थे वहाँ पर जब उनको हेलीकॉप्टर उनके सिर पर उड़ा है इट वज क्वाइट क्लियर यानी अब अगर पुरानी लीक पर जाए ना विकी लीग के यार ये मैनुअल्स जो हैं गुवंत के ये क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को जो सिपाही और कप्तान और मेजर हैं ये इनको क्या सिखा रहे हैं राग के बारे में और किस तरह आपने ऑपरेट करना है इस जंग में कि उसकी कलमिनेशन है कि क्या मैंटेलिटी अमेरिकन एक सोल्जर लेके आ रहा था राग के अंदर कि ये कुछ जानवर हैं ये कुछ सब ह्यूमन क्रीचर्स हैं ये मुसलमान और ये अरब्स ये ब्राउनीज़ ये डार्कीज़ और इनको हमने ब्बा करते हैं इनके हमने चित्र उड़ाते नहीं हैं और मुख्तलिफ ऐसे ऑपरेशन आपको यू एस मिलट्री के रिटायर्ड अफसरों के इंटरव्यूज मिलेंगे कि एनी थिंग दैट मूव उसको शूट कर दो सर्च एंड फ्रिस्क ऑपरेशन घरों के अंदर ब्रेक इन करके इनकी स्वीप्स होती थी कि हर मोहल्ले को मार करके हर घर में हमने एक महीने के अंदर दाखिल होना है हर रात हर करना है चादर और चारदीवारी की हमने एहतराम को पमाल करना है और सारी वीडियो फुटेज में डॉक्यूमेंटेड है अब तो बच्चे वीडियो गेम्स में खेलते हैं ये Uh, Black Ops और ये वगैरह के अंदर जो दे वे, की 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 कंपनी और जो जो अच्छा एक जी जो गया गया गया। एक तो आप वीडियो गेम भी जो खेलते हैं आपके बच्चे वो भी एक मसनरी फोर्स जो है वो उसको कर कि आपके बच्चों की जहन साजी किस तरह की हो रही है क्या आपने प्रेस ए टू किल सिविलियंस प्रेस बी टू मोर सिविलियंस

उनकी कुछ अलकायदा से एफिलेशन बनना शुरू हो गई थी ज़्यादा मजहबी खानदान के थे यमन के हालात अलकायदा क्यों ज्वाइन करते हैं यमन के लोग उस ज़माने में क्योंकि अमेरिका ने यमन के हालात बर्बाद किए हुए थे अपने इंटरेस्ट की खातर अपने सऊदी अरबिया अपने इसराइल अपने लाडलों की खातर तो यमन के लोग क्या करेंगे रेडिकलाइज होंगे एक्सट्रीम रिलीजस बिहेवियर एग्जिबिट करेंगे जिनोफोबिया एग्जिबिट करेंगे इंसुलर हो जाएंगे लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे उन्होंने उस बंदे को 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 एक ड्रोन स्ट्राइक के 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 अंदर यमनी ऊपर उसको और उसके बेटे को पिकनिक में मार दिया और अमेरिकन अमेरिकन मीडिया जब जब तक 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 नहीं लगा मुझे याद पड़ता है कुछ दिन बाद सिर्फ इसका बारह तेरह साल का बेटा था उसको टारगेट मतलब खतरा बनेगा अब नहीं और एक मैसेज है एक मैसेज हाँ। है कि यार अमेरिकन सिटीजन हो ना हो ना। तो अगर इस साइड पे जाओगे तो सिर्फ ये नहीं है कि तुम तो हमारे तुम्हारे नेशनल सिक्योरिटी जो कि एक्चुअली एक ट्रांस अच्छा <laughs> आपको पता है जूलियन असांज इनको क्या कहता था कि ये एक्चुअली ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी कबाल है एक ट्रांस यानी बियॉन्ड बॉर्डर एक इट इज अ कबाल िच पीपल ऑफ बिजनस मैन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका बिजनेस इंटरेस्ट इन जंगों के अंदर और उनकी आ, आ, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स उनके ठेके रिस्ट्रक्चरिंग और मनी वाशिंग के अंदर होता है एक बहुत प्रफाउंड स्टेटमेंट है जिन्होंने सांझ की अफग़ान और की ही सेट दे वॉन्ट फॉर एवर वॉर्स दे डोंट वॉन्ट टू ऑक्यूपाई और विन अफग़ानिस्तान एंड मतलब हमारे मुसलमान भाई हैं इराक के और वी से कि उनकी विक्ट्री थी उन्होंने लड़ के अपना हक लिया बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर ऑल्सो इज दैट द अमेरिकन चूज टू हैव दिज कार्टूनिश इलॉन्गेटेड वॉर्स वेपन्स कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रिकन्स्ट्रक्शन uh, ठेकों के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड पेंडू करप्शन होती है एंड देन ए टेक्निकल करप्शन कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग आइडिया कितने बिलियन डॉलर सपोजिटली इन अफगानिस्तान ट होके कॉन्ट्रैक्ट्स की शक्ल में ठेकों की शक्ल में तो काला पैसा जो होता है जो अनडिक्लेर्ड अमीरों का टैक्स मनी होता है जो आवाम की जेबों में जाना होता है जो पब्लिक गुड्स में लगना होता है पब्लिक वर्कस में लगना होता है वो इन जंगों के थ्रू वॉश करते हैं और ये अब इल्ज़ाम बहुत बड़ी जंग जो इस वक्त रूस की चल रही है उसके ऊपर लगाया जा रहा है कि वो जंग वहाँ पे असला बेचने की और पैसों को वॉश करने की उन्होंने मशीन लगा ली है और उसका जो उस धोबी घाट का जो मालिक है ना वो व्लाडमिर जलेंस है वो बेसिकली बैठ के वहाँ पे सारे गंदे कपड़े अमेरिकन और यूरोपियन और अरब और मुख्त दुनिया के जो इंटरनेशनल एलीट हैं उनके एक गंदे कपड़े धो रहा है वहाँ पे वो इस तरह एक वाशिंग मशीन थी ना पीटीआई के पास के अली जैदी आया उसको धो के साफ़ कर दिया अलीम ख़ान आया उसको धोखे साफ कर दिया जहांगीर तरीन आया उसको धो के साफ कर दिया तो ये इमरान प्रोजेक्ट था तो ये वॉशिंग मशीन पैसों के लिए ज़्यादा जरूरी होती है बंदों से ज़्यादा और 2014-15 से ये शुरू हुए हैं 2014-15 में ना खबरें आना शुरू हुई थी 15 में कि अमेरिका अगर अमरीका हमेशा से ही जा रहा था यूक्रेन अमेरिका जाएगा अमेरिका जाएगा इस साइड पे थोड़ा बहुत जो अटैक कम हो रहा था उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि यहाँ से ठेके खत्म खत्म होकर कंपनीज को यूक्रेन में दिए जा रहे थे चीज़ें रीलोकेट हो रही थी लॉजिस्टिकली लोग आगे पीछे हो रहे थे इस वाली सड़क का ठेका ख़त्म हो गया अब उस सड़क में मूव करना है यूक्रेन वॉर तो ये एक परपैचुअल वॉर की तरफ जो इशारा है इस पर सब बहुत बड़ा हाथ इनफैक्ट इसको अब कहा जाता है विकीलीस को मॉडर्न जर्नलिज्म थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँगा इसमें इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना विकीलीस का उसको थोड़ा सा मैं बात करता हूँ ये बेसिकली एक आप इंक्रिप्टिड ड्रॉप बॉक्स है या गूगल ड्राइव है मगर इनक्रिप्टिड है और कुछ लोग कहते हैं कि इसने ही बनाया था लेकिन बहुत मुश्किल मतलब तो ये हार्ड टू तो बिलीव है लेकिन नंदस नहीं, नहीं बनाया इसने इसको पॉपुलर किया है ये तो बहुत सेफ्टर तो था कंप्यूटर विजिट है लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी के पास ऐसी चीजें होंगी लेकिन इसने इसको नंद पॉपुलराइज किया था और बेसिकली सीन क्या है कि कोई भी बंदा जाके वकी लीग्स कोई भी डंप फेंक सकता है

इस वक्त तकरीबन विकी विकी लीक्स की वेबसाइट पे तकरीबन टेन मिलियन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं और लोग वैसे शोवल के लिए पास टाइम के लिए ना जाके जरूरी जब भी कोई नई स्टोरी ब्रेक होती ना जैसे एफस्टीन की हुई थी या कोई और किसी किस्म की स्टोरी ब्रेक होती है वो जाके विकी लीक पर एक दफ़ा सर ज़रूर मारते हैं कि यार पिछले बीस साल में कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं आया क्योंकि इसने जो डॉक्यूमेंट डंप किया था वो नाइनटीन से लेकर टू तक का 1966 हाँ, से हाँ, और इसमें डिप्लोमेटिक केबल्स भी थी, भी वॉर डॉक्यूमेंट्स थी, ये, आ, करेंगे। केबल्स मिली थी वो भी, भी आगे आएगा। तो वो जाके वैसे चेक हेनरी किसिंजर ने कहा था इंदिरा गांधी बिच

न्यूजीलैंड के अंदर करप्शन चार्जेस यानी करप्शन स्कैंडल्स वगैरह एक्सपोज किए थे उसके बाद वो भागी थी रशिया और वो अभी कैंपेनिंग करती है जूलियन नाज के लिए तो उसने ये कहा था कि रफली दुनिया में फोर्टी थाउजेंड केसेज हैं जहाँ लोगों ने विकी लीक से डॉक्यूमेंट्स निकाल के इस्तेमाल किए तो ये एक ये विकी है लिटरली लाइक विकीपीडिया इंफॉर्मेशन का ऑफ ऑफ लीक्स लीक्स कमिंग दो हजार दस के इनके जो लीक्स थे ये फिर सुपर हिट हो गए और जब ये इसने वीडियो निकाली थी ना ऑफ uh, जो हेलीकॉप्टर मर्डर इसमें हेलीकॉप्टर से उसमें ऑडियो भी बड़ी डैमिंग वो उनको बास्टर्ड्स कह रहे हैं और वो जिस तरह की सोच वो बच्चा लेके आ रहा है वो पायलट जो गनर था वो बच्चा था उसकी आवाज़ से पता लग रहा है वो छोकरा था किस तरह की वो दरिंदगी सीख के आ रहा था और वो किस तरह व्यू करता था इराकी इंसानों को एज सब ह्यूमन वो वो वाजे हो गया मजे की बात क्या है यहाँ पर कंस्परेसी का एलिमेंट आता है कि थ्री वीक्स या फोर वीक्स इंटू दैट आफ्टर द रिलीज़ इनकी वकीली स्वी, की एक स्वीडन में सिम्पोज हो रही थी इनकी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें सारे इनके फैंस और मुख्तु जर्नलिस्ट की एक मीटअप हो रही थी उस पर कुछ ग्रूपीज़ और फैंस भी आए इसके जो खुतन होती हैं जो ज़रा सुपर फैन होती हैं वहाँ कुछ जिनसी तल्लत इसने बनाए कंसेंशुअल सोही क्लेम्स और विद इन फ्यू वीक्स ऑफ इस फर्स्ट बिग लीक ये दो हज़ार दस, दस वाला उन्होंने उसके ऊपर रेप के इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि ये हमें जिनसी जबरदस्ती का शिकार बनाया है इसने और ये बड़ा खराब आदमी है इसके करेक्टर असनेशन शुरू कर दी यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने और स्वीडन ने सात आठ साल केस भी किया इसका मोमेंट so ये बंदा इतना डैमिंग लीक करता है एक यूरोपियन वॉर के अंदर यूरोपियन वॉर क्योंकि क्रिश्चन uh, नेशंस की है और दी कोलिशन ऑफ या एक्सेस ऑफ ईवल जिस तरह बुझा करता था वो सारे ब्राउनीज़ और डार्कीज और मुस्लि हैं तो ये बड़ी कन्वीनियंट एक बड़ी ठेस पहुंची थी यूरोपियन इमेज को ऑफ दिस सुपेरियोरिटी और हम यूएन और हम ह्यूमन राइट्स और ब्लाग 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 ब्लाग। तो ये सारी बकवास को जब ठेस पहुंची ना तो इसको जिस बंदे ने ये काम किया उसके करेक्टर को उन्होंने गंदा करने की कोशिश की

अपनी बेसों से बाहर निकले <laughs> और अफगान जो इनके बंदे थे वहाँ जो नेटोरिटी फोर्सेज थे वो भी कम्प्लेन करते थे की यार इन लोगों को फारक करो ये कुछ नहीं करते लोग हैं चाय भी नहीं आए होते इसमें वैसे कोई झूठ तो है नहीं यार यूके की ट्रंप ने बोला था नेटो में हमने बोझ उठाया यूके की मिलिट्री क्या है यार उनकी वो लाइक वो रेड कोट पहन के वो बस खड़े रहते हैं और वो हिलते नहीं यूके की मिलिट्री थी एक जमाने में जब ब्रिटिश एंपायर था वो दो तो उसी उसी की मेरा ख्याल है असल में हमें ना वो कोई अब अब इस हद तक ना कोई एवोल्यूशनरी हमारा ट्रेड भी बन चुका है यूके की हमारे एंसेस्टर्स में जिस तरह वो वो चूहों को इवन कैप्टिविटी में चील नजर आते हैं तो वो सारे डर जाते हैं नहीं नहीं आजाद तो, हो गए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आजाद है ऐसी ही तैसी पक्की बात है ना हम देखेंगे लाजी में के रंडी होना शुरू कर दो तो वो उन्होंने ना डिप्लोमेटिक लीग्स के अंदर काफ़ी बहुत काफ़ी ऐसी चीज़ें आई थी आ, एंगला मरकल के बारे में कंप्लेंट्स थी इनकी यार ये बड़ी ऑब्सनट सी और बड़ी डरपोक सी है

एज एन ऑडियंस एज ए इंडिविजुअल थोड़ा सा रहा करें कि बेनीफिशरी कौन होता है जब किसी को डिफ़ेम किया जाता है और मैं समझता हूँ कि मॉडर्न ज़माने में किसी की ज़ातियात किसी की पर्सनल फिनेशियल डीलिंग्स चीज़ें नहीं मैटर करती मैटर करते का वो काम क्या करके गए और मैं ऐसे मॉरल प्रिंसिपल नहीं बता रहा मैं ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यार आप हिरोज तलाश करने निकलेंगे ना तो सब में कोई ना कोई, कोई फॉल्ट होगी बस तो हम इंतहाई ग्लोबलाइज ज़रा में रह रहे हैं जहाँ प्राइवेसी नहीं एग्जिस्ट करती तो आपके हिस्टोरिकल हीरोज़ भी शायद उनकी भी लाइफ में कोई ना कोई वाइस और ख़राबियाँ होंगी तो वो आती नहीं थी हमारे तक बिकॉज वो बड़ी एक रोज़ी पिक्चर पेंट हुई हुई है हिस्टोरिकली तो आज के जो बंदे हैं बेचारे वो तो एक तो वैसे ही ज़्यादा इमोरल और ज़्यादा वाइस ओरिएंटेड हैं बिकॉज हम एक कंजम्पशन बेस्ड दुनिया में रह रहे हैं जो बीसवीं सदी है इक्कीसवीं सदी है इट इज़ ए कंज्यूमर कैपिटलिस्ट पैराडाइज या हेल्प भी कह सकते हैं इसको तो हर बंदा बहुत ही, हो गया हर बंदा ही वाइसिस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और बदकारियों की तरफ और हर बंदा ही पैसों की दौड़ में लगा हुआ है आप काम को देखें विकिलिक्स के तो अल्लाह का शुक्र है कि इट दैट ही स्टिल पॉपुलर बट आई वुड क्लेम कि बनस्बत एडवर्ड स्नोडन के और इसकी थोड़ी सी पॉपुलरिटी और इज्जत कम हुई थी ही इज व्यूड एज अ स्लीजी kind of guy. मैं, आ, और इसको, 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 इसको डिफेंड करते हैं तो वो कैियार्ट देते हैं कि ये एक स्लीजी बंदा है मतलब ये थोड़ी सी टार्निश हुई थी इसकी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ बात ठीक कर रहे हैं लेकिन ये बेसिकली सेंटिमेंट आया था जब एडवर्ड स्नोडन ने थोड़ा सा क्रिटिसिज्म किया था विकीलिक्स का बेसिकली जूलियन असाज का और उसका आई थिंक क्रिटिसिज्म भी यह था कि यार इसने तो सब कुछ ही यानी दो तीन खोल ही दी भी भी है इसने नेशनल सिक्योरिटी नहीं वो कह रहा था कि बस तू आ, भाई केबल जो हमारे डिप्लोमेटिक केबल्स है ना वो लीक ना करो वो तो स्टेट सीक्रेट्स वो, वो ना करो वो सेंस भी नहीं बनती किसी ने ने नेशन स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू हम पे फर्क आता है कि एडवर्ड स्नोडन इज नॉट इन द पोजीशन ऑफ जूलियन असाज एडवर्ड स्नोडन इज द पोजीशन ऑफ ब्रैडली मैनिंग इसने लीक किया था या ही इज द व्हिसल ब्लोअर तो उसको क्योंकि वो महकमे की वर्किंग्स को जानता है तो ही अंडरस्टैंड कहा जी ये फारक है यह फार है ऑगस्ट के अंदर ये हेलीकॉप्टर ऑगस्ट टू के अंदर ये हेलीकॉप्टर वाली वीडियो आई है दिसंबर टू के अंदर इसके ऊपर रेप एलिगेस लाई थी और जूलियन साज ने अपने को यूके अथॉरिटीज के हवाले कर दिया कर दिया और इसका एग्जैक्ट कोर्ट है स्वीडिश अथॉरिटीज स्वीडिश जुडिशल सिस्टम जो है वो बॉक डाउन है बाय एक्सटर्नल मेडलिंग करियरिज्म और खैर यार मैंने एग्जैक्ट पढ़ना है वो मैं पढ़ता हूँ क्रेज रेडिकल फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी ये तीन चीजें जूलियन साज ने 2010 में की थी ये मैंने जब पढ़ा था तो मैंने कहा था मैं लिख लूंगा एडवर्ड uh, स्टोडन ने काफी देर बाद ये की थी लेकिन अगर मैं इस पर पूरी तरह तमीद बांधू सही बांधूँ सही, सही बात करूँ तो पिछले साल एडवर्ड स्टोडन ने कहा है जब इसको बात कर रहे थे एक्स्ट्रा करने की अमेरिका में तो उसने कहा था हम बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट करेंगे अगर ये हमने कर दिया फिर जो सऊदी अरेबिया है वो कहेगा हमें फला बंदा दे दो बिल्कुल हमें पाकिस्तान इंडिया कहेगा आएगा बंदा दे दो इसराइल कहेगा कहे आएगा वो कह दे दो फिर किस तरह से तुम इस चीज़ को लेकर चलोगे तो एडवर्ड स्टोडन वैसे वो हमेशा पढ़ी लिखी बात कर बड़ी बारीकी पकड़ता है जैन है आदमी है तो उसने ये उसको डिफेंड किया तो ये थोड़ा सा मेनस्ट्री मीडिया उसको आगे खींच जाता है

एंड ऑफिशियली डिक्लेय और प्रूव्ड बात है कि he was tortured under the, uh, under the उसको रखा गया था एट समहन में पता क्या यार, no way to say this, no. वो उसको इतना टॉर्चर किया उन्होंने कि वो बंदी बांध गया नहीं, <laughs> नहीं मैं, मैं पता किस बात पे हूँ मैं इस बात पर हूँ कि ये लोग कहते हैं कि ऑफिशियल विश्व ब्लोर चैनल फॉलो करो mm. मेरे जहन में एक पिक्चर आई थी कि वैसे अगर

ब्रैडली मैनिंग के साथ अमरीका नहीं और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पर बड़ा धब्बा लगा कि तुमने अमेरिकन सिटीजन को और एक एक्स आर्मी ऑफिसर को इस तरह रख के बट चीयर लीडर्स तो बहुत मौजूद होते हैं मीडिया के अंदर जिनको हमारी जुबान में लिफाफी कहा जाता है yeah. वो तो कह रहे थे कि इनको चीथरे उड़ा दो इनको फाड़ दो इनको मार दो एक तो बल्कि मैं देख रहा था एक सेनेटर था वो कहता है कि आई एम नॉट फॉर डेथ पेनल्टी मेरी पॉलिटिक्स ऐसी है तो एक्स्ट्रा जुडिशरी गोलियां मार दोनों दो को असांज को और हाँ हाँ, यार देखो, हमें सिर्फ अपना आप नजर आता है ना जहाँ को हमारे से भी बड़े जोकर बैठे हुए दुनिया के मुल्कों के अंदर ये की जो बात कर रहे हैं ना ट्विटर पे एक हैंडल है जो सिर्फ नैन्सी पलोसी की स्टॉक ऑप्शन को फॉलो करता है क्योंकि पलोसी जहाँ स्टॉक्सिंग कर रही होती है उसके फौरन बाद उस कंपनी को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता गवर्नमेंट की तरफ से हु जाएगा कोई ड्यूटी टैक्स रिबेट टैक्स मिल जाएगा तो लोग उसकी स्टॉक ऑप्शंस देख के खुद इन्वेस्ट करते हैं उसका हस्बैंड उसका हस्बैंड के थ्रू करवाती है वो ओपन ये, ओपन ये देखना ये सोफिस्टिकेटेड तरीका है करप्शन करने का हम क्या यहां पे प्लॉट ले डीएचए नहीं आई थिंक देखो बिल्ट इनटू द सिस्टम स्टेट के जो हजम है ना मॉडर्न स्टेट्स के खैर वैसे एक वर्जन ऑफ दिस यहाँ पे भी होती है बट हम वो डिस्कस नहीं कर सकते ना। अगर नए पॉडकास्ट बंद हो जाएगा जी uh, ka, mm, <laughs> जो मॉडर्न स्टेट का जो मॉडर्न स्टेट का हुजम है ना दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम द वे इट ऑपरेट्स के जो इंडिविजुअल्स दैट कंप्राइज अप दोस डिपार्टमेंट्स वेट आल्सो ब्रैडली मैनिंग वाज सॉरी कन्वर्टेड इनटू चेल्सी मैनिंग वो एक खातून ही टुक हार्मोन थेरेपी आफ्टर ही वाज रिलीज्ड एंड वो सरप्राइजिंगली अब मैं कहना नहीं चाहता बट ही रन स्क्रीन फॉर द स्टेट वो अब लेफ्ट की तरफ से ही अटैक करता है और ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम्स की बात करता है बट वो प्री मच कर चुका हुआ सारा को जूलियन कुछ स्नोडन जो आते हैं वो सब के खिलाफ गया था जी जी, जी खिलाफ चलता है तो आई थिंक दे देव ब्रोकन हिज माइंड अनफॉर्चुनेटली उसको मतलब अल्लाह फॉर एंड हील बट या ब्रोकन इज माइंड बिकॉज पता नहीं किस किस्म के केमिकल और फिजिकल टॉर्चर जो है अवेलेबल हैं टू दी अमेरिकन इंटेलिजेंसराटर्स उसके बारे में भी हमें पॉडकास्टिंग चलाई लेकिन प्लान कर रहे हैं लेकिन ये आ, बहुत डिप्रेसिंग टॉक है क्योंकि जब स्टेट में उस पर क्रैकडाउन करना स्टार्ट किया था तो उसने बैडन कर दिया था आपकी ये लो लाइफ कन्वेंशनल फीएड करेंसी जो है और वो शिफ्ट कर गया था एक हायर स्टेटस <laughs> <में। laughs> एक 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 डिजिटल फिएट करेंसी में <laughs> और वो एक क्रिप्टो ब्रो बन गया था वो बिटकॉइन यूज करते थे नहीं आई थिंक दैट आई थिंक दैट्स नॉट दैट्स मोर ऑफ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ नीड के दे अब yeah, उन्होंने ट्रांजैक्शन कर इट वाजंट लाइक वो कह रहा था कि गाइस मेरा कोर्स फॉलो करो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कॉइन हमने Seven करने देखो में. <laughs> तुम ऐसे ग्राफिक कार्ड मैंने सुना आगे आगे मिल है। है। मैंने सुना सुना आजकल सस्ती है, है, जी यार में लेके आना चाहिए उसके साथ एक हाँ, ये लिविंग ऑन <laughs> क्वाइट <गौए दिया> <laughs> <पानस laughs> केस हुआ अभी क्या केस फाइनेंस उसको अमेरिका ने कुछ किया है बड़ी चीज हुई है वो वो PUBG मोबाइल को सपोर्ट कर रहे हो जूलियन असांज एसेंशियली 2010 के लीक्स के बाद ही वाज ऑन द रन प्रीटी मच और uh, पूरी दुनिया के अंदर वो uh, uh, तो अपना फोन चेक कर रहे हैं वो पॉडकास्ट के बीच <laughs> में बेहूदगी तो ब्रैडली uh, मैनिंग के अरेस्ट के बाद इट बिकम्स क्वाइट सीरियस फॉर हिम

डील एक बनाने की कोशिश कर रहा था यह कि मैं किसी तरह अमेरिका जाऊं और अमेरिका जाके मतलब कोई इजी अपने लिए सीन बनाऊं मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन हो रही है लेकिन ये अब हो रहा था तो बीच में वार्ड सेवन रिलीज हो गया पहले दो हज़ार सोलह हुआ था पहले वार्ड सेवन था वार्ट सेवन आया था, सेवन था के दो हज़ार पहले सोलह की पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं के जब के इलेक्शन आ रहे थे इसमें हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप मुकाबला था इसने डीएनसी जो डेमोक्रेटिक नेशनल कांग्रेस है जो हिली क्लिंटन की पार्टी की वो है सारा सेटअप है उसके फाइल्स को लीक करना शुरू कर दिया थ्रू विकी लीक्स उसमें हिलरी क्लिंटन के प्राइवेट सर्वर की ईमेल्स भी लीक की कि जब हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी तो वो इलीगली अपने प्राइवेट सर्वर के ऊपर ईमेल चलाती थी राधा दैन सरकारी

कई इंडिविजुअल्स के नाम भी थे इन लीगस के अंदर के हिलरी क्लिंटन की जो क्लिंटन फाउंडेशन है उनके हैमिया बीवी की जो कि मशहूर एक फ्रंट है एज एन एन उनकी अपनी कैंपेनिंग और उनके अपने पोलिटिकल अजायम को अचीव करने के लिए कौन से पाकिस्तानी उसके के साथ एसोसिएटेड uh, हैं वो आप ख़ुद ढूंढ लें ये होमवर्क है ये आपका होमवर्क है क्लिंटन फाउंडेशन इसका नाम है कौन से कौन से अजीम हस्तियां हमारे मुल्क की अमेरिका में और लंदन में और यू में उनके साथ काम करती रही हैं और क्या ये खैराती और फिलिथ्रोपिक खदम पेश करते रहे हैं उम्मत के लिए तो वो भी आप देख लें क्लिंटन uh, फाउंडेशन की करप्शन और दूसरा डी एन सी एट सेल्फ की करप्शन के जो कैम्पेन पर जब ये पहले तो इसका मुकाबला बर्नी सेंडर्स के साथ था ना बर्नी इसके वो तो चार पाँच कैंडिडेट खड़े होते हैं हर पार्टी से तो बर्नी सेंडर इसका फाइनल राउंड था कि के कौन कैंडिडेट बनेगा डेमोक्रेटिक पार्टी से और हॉट फेवरेट था आवाम का बर्नी सेंडर्स क्योंकि वो एक सोशलिस्ट टाइप बातें कर रहा था अमेरिकन अवाम अक चुकी हुई थी अमीरों से अमीरों की बदमाशियों से अपनी गुरबत से मॉडगेज क्राइसिस से जो 2008 में आया अपने स्टूडेंट लोन से अपनी इन्फ्लेटिंग इनफ्लेटिंग के साथ और ख़ास पर जो दो बड़ी जंगें हुई थी अमेरिका की और यूथ के साथ बड़ा पॉपुलर था यूथ के साथ पॉपुलर था क्योंकि वो उनकी उनकी जो रग थी उसके ऊपर उसकी उसका हाथ था टैक्सी जमीन पर बढ़ाऊंगा तुम्हारे पे गिरा बड़ा वो एक अच्छी की लोग ही बातें कर रहा था एक डेमोक्रेसी दूसरी साइड से एक बुलडोजर डोजर ट्रम्प आ रहा था और बीच में एक जो हिलरी क्लिंटन थी अच्छा दो बातें इसने रिवील की एक डेमोक्रेटिक नेशनल कमीशन और हिलरी क्लिंटन उधर सपोर्ट कर रहे थे ट्रम्प को क्योंकि उनको लगता था कि वो ईजी अपोजिशन है कि इसको हम हरा लेंगे मुकाबले में क्योंकि तो डफर लगता है उनको उसको सपोर्ट कर रहे थे टू रन अ स्मोक स्क्रीन फॉर देम कि यार ये अगर इतना घटिया है तो हम ही चुन लो तुम ठीक है ना बट द अमेरिकन पीपल हैड अनदर थिंग इन माइंड दूसरा इन्होंने क्या किया था कि बर्नी सेंटर्स को डाउन करते थे हर पार्टी मीट के अंदर इसको अप करते थे टू द पॉइंट कि इवन जो सवाल होते थे कैंपेन ट्रेल पर जब डिबेट्स होती हैं तो उसको सवाल पहले से दे देते दे थे दे दे दे, हिलरी क्लिंटन को खतम पहले जवाब लिख के आ जाओ यानी जिस तरह एक इमरान प्लान था उस तरह हिलरी प्लान भी था डेमोक्रेटिक नेशनल कमीशन का बट टू नो अवेल क्योंकि जो लीक्स और आई लीक होमवर्क है थोड़ा सा मैं ये क्लियर कर दूं कि जिन लोगों को नहीं पता अमेरिका के अंदर दो टू पार्टी सिस्टम है डेमोक्रेट्स अपना एक बंदा सेलेक्ट करते हैं रिपब्बलिकन अपना बंदा सेलेक्ट करते हैं डेमोक्रेट्स के बीच में लड़ाई होगी थी बर्नी और हिलरी के दरमियान रिपब्लिक के दरमियान लड़ाई बस ट्रंप ही जीत रहा था ट्रंप के खिलाफ जेब बुश भी खड़ा हुआ डॉक्टर भी खड़ा हुआ माइक पेंस भी खड़ा हुआ रोन दिया सब रैंड पॉल, पॉल थोड़ा बहुत ठीक नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने आके एक बेबी फेस था एक बेबी फेस था जिसको ये छेड़ते टेड क्रूज था ना टेड क्रूज था एक बेबी फेस था जिसको वो छेड़ता उसका नाम मैं भूल गया ये, 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 इस, तो मतलब, मतलब <laughs> उसनेट्स तो का और पोलिटिकल पैराडाइम को चेंज कर दिया था अच्छा बट मैं सवाल पूछूंगा की इट सीम्स आइक जो आप बातें कह रहे हैं की ज्यादा जो टारगेट जूलियन का और विकी लीग का वो डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो स्पेसिफिकली बर्नी सेंडर के खिलाफ की गई साजिश को hmm, एक्सपोज अच्छा अब ये मैं मैं बताता हूँ इसने ट्रंप को बहुत ज्यादा एक्सपोज किया इनफैक्ट जब hmm. आगे जाके हम डिस्कस करेंगे जूलियन असंज पे एक ही दफा किडनैपिंग और मर्डर हुई है होने की कोशिश हुई थी ट्रंप ने की थी इसे को ने की थीड नहीं उस वक्त सीआई डायरेक्टर उस वक्त सीआई डायरेक्टर जो माइक पॉम्पियो है, है, है वो अपनी टीम में क्या कहता थाट मी नो दर्ट ऑफ दॉसिबल वो तुम जो मर्जी कर लो मैं वकीलों को संभाल लूंगा इन वॉशिंग्टन तुम फिर उन्होंने बड़े बड़े फुद्दू किस्म के ना वो, वो जिस तरह होते हैं ना एफ बी आई और सी आई केवन टाइप ऑपरेशन के उसको हम हेलीकॉप्टर है, से उतर के एक दफ़ा और पहले मंसूबा बनाया था ना इरानियन एम्बसी में तो दोनों हेलीकॉप्टर टकरा के मर गए थे तो ये इनके ऐसे ही मंसूबे होते हैं कि हम उतरेंगे तो फिर एक बंदा पोस्टमैन बना होगा और एक बंदा डिलीवरी वाला बना होगा तो तुम पिज्जा देने के चक्कर में उसको छुरी मार देना और पता नहीं क्या क्या तमाशे उन्होंने बनाया फिर डी एन सी के अंदर पॉपुलर कंटेंडर हिलरी और बनी सैंडर्स थे बर्नी सैंडर्स इधर जो मज़े की इंफॉमेशन है वो ये है अब विकी लीगस ने सारी खबरें निकाली हैं लेकिन ट्रंप की जो मीडिया मैनेजमेंट है लोगों को ये पता है वो बहुत अच्छी है और इसके बारे में एविडेंस भी वो सुबह चार बजे उठ के ना नौ बजे तक सिर्फ मीडिया चांस देखता है वो ऐसे पता उसको फिर जवाब देना आता है इसलिए खैर वो इलेक्शंस भी जीत गया था लेकिन डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उसका वही कन्वेंशनल तरीका था कि बस रोना शुरू कर देते हैं आके मेन स्ट्रीम मीडिया को आपके खिलाफ यूज़ करते हैं तो उस और फिर वो बहुत एक सेंटली और एक सेल्फ राइचियस एटीट्यूड रखते हैं तो उसमें ना लोग फिर और पूछते हैं और पूछते हैं नहीं, नहीं 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 ये तो नहीं हुआ था ऐसे हुआ था उसमें चीज़ एक्सपोज ज़्यादा होती है और शोर मचता है और इस चीज़ को ट्रैक्शन क्यों मिली थी क्योंकि इसका काउंटर डेमोक्रेटिक पार्टी ने यह किया था कि ये रशिया करवा रहा है जिसको हम रशिया गेट कहते हैं जो कि टोटली फॉल्स है रशिया गेट पॉपुलर होने की वजह से ये चीज़ पॉपुलर है लेकिन

जिन्होंने लीक की है जिन्होंने लीक किया एक जो जिसने मेजर लीक की थी वो यूएस यूके एम्बेसी का बंदा था और वो कुछ चीज़ों के खिलाफ था उसने इसको डाटा को लीक कर दिया काफ़ी ज़्यादा यू के एम्बेसडर था फ्रॉम यू एस इस तरह का कोई इसका रोल था डेसिनेटर अगेन गूगल कर लेंगे पता चल जाएगा मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिपोर्टेड है ये लेकिन जो फ़नी चीज़ है बर्नी सैंडर्स के खिलाफ हिलरी के बंदे बुला के बैठा के हिलरी अपने डेमोक्रेटिक पार्टी के बंदों को भी और उसके अलावा सीक्रेटिवली मेन स्ट्रीम मीडिया के बंदों को बुला के ट्रेन करते थे कि बर्नी को डाउन करना है उसके अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स पुलिटिको सी एन एन द डेली बीस्ट और इस तरह के दो तीन और आउटलेट्स हैं जो बड़े मेजर आउटलेट्स हैं जो कि ओपन क्लूजन में पकड़े गए और ये सारी वीकीली इस चीज़ें बता रहे हैं इसके बाद इनकी सही ग्रिलिंग स्टार्ट हुई है फिर यही मेन स्ट्रीम मीडिया लॉन्च हुआ था ट्रंप और ट्रंप कहता है कि तुम तो सारे हेल के पालतू हो ये भी बहुत बड़ा फेक न्यूज़ फ़ेक न्यूज़ ये भी बहुत बड़ा सार था इनको जूलना साल के खिलाफ खैर इसके फौरन वॉल्ट बादवन आता है तो उस पर तो पर्सनली हो जाते हैं वो हम अभी वॉल्ट सेवन भी तो सारा काम खैर ये जो डी एन सी ई मेल स्कैंडल है हिलरी क्लिंटन स्कैंडल है रशियन लीग जिनको ये कहते हैं हालांकि वो झूठ है बात इसके अंदर कुछ ऐसी बातें इसको मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा ऑडियंस को कि वो ख़ुद भी होमवर्क करें और वो पढ़ें कि उनकी पिज्जा प्रेफरेंसेस क्या हैं

प्रेसिडेंट था और वो क्या कर रहा था इस प्रेसिडेंट वो भी हमें पता है yes. कि वो नहीं, वाटर नहीं वाटर गेट नहीं, वाटर गेट बहुत पुराना वाटर गेट तो निक्सन का मेरी जान अच्छा फिर मोनिका लुविंस का उसका उसका था उसका था <laughs> मोनिका लुविंस की गेट <laughs> <जीव>। मोनिका गेट मोनिका लुविंस की ने अपने गेट पे ताला नहीं लगाया यार अच्छा अच्छा लगा कुंडा का खड़का सोने आ सीधा अंदर आ बिरगिन बंदे सैक्सोफोन बजाता हुआ <laughs> आखिर तो एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डायरेक्ट हुक्म दे रही होती थी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स को कि तुम यू एन जाने वाले हमारे अफसरों के और यू एन के अफ, जनरल अफसरान के तुम ये स्पाइंग करो उनकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ई मेल थम प्रिंट्स मतलब अजीब सी इनकी मैशनेशंस uh, और ऑपरेशन थी इनर वर्किंग्स थी अच्छा वॉल्ट सेवन को तुम तो दोनों ने इतना अभी तक है। अभी, अभी तक ना बाईव इसको ना सही तरह से हाथ नहीं डाला था यूएस स्टेट स्टेटर ने ओके। और इनफैक्ट जोक किया जाता था कि जो सीआईए वाले थे वो मजाक उड़ाया करते थे बाकी स्टेट डिपार्टमेंट का और एफबीआई वगैरह का तुम्हारा डेटा लीक होता था और ये आसान जो अ जोक इन दी इंटेलिजेंस कम्यूनिटी का मजाक उड़ाया करते थे कि वो तेरा लीक कर दिया फिर ये ऐसी एक मूव करता है जो चुभती है उनको वो है जब ये वॉल्ट सेवन को लीक करता है उसका नाम सर कहता है वर्ल्ड सेवन और उसके अंदर सी के अपने इंटेलिजेंस के लीक्स थे तो तब सी जब एक्शन में रिवेंज लेने के लिए तो वो ज़रा बताएगा कि वर्ल्ड सेवन में क्या था और उसका सबसे कैंड रिवेंज क्या था वर्ल्ड सेवन बेसिकली अगर मैं उसको आसान जुबान में समझाऊँ कि क्यों इतनी बढ़ चढ़ी थी अमेरिका को ये था कि हैकरस गॉट हैक्ट ठीक है और ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी ये जो सी आई ए बॉयज थे इनकी Uh, उस वक्त का जो सी आई ए डायरेक्टर था सी आई ए चीफ माइक पोम्पेयो था प्रेजिडेंट ट्रंप था उनकी गंग हुआ अप्रोच थी उन्होंने कहा इसको किडनैप करो इसको मारो वॉल्ट सेवन के अंदर बेसिकली सी आई ए के जो टूल्स थे ना उनकी सारी डिटेल थी जिसके थ्रू सी आई ए स्पाइंग करता था तो बेसिकली उसने सारा खोल भांडा के झांडा फोड़ दिया।, दिया खोल के दिया। खोल के बयान कर दिया खोल खोल के उसने सारा हक जो है ना वो बयान कर दिया मैंने मोबाइल पर कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से हैं नाम उनके मैंने मोबाइल पर ना आप विकीपीडिया के पेज पर जाकर ना इजी होकर पढ़ सकते हैं इसके प्रोजेक्ट्स के नाम इसमें है जैसे प्रोजेक्ट ग्रास ऑपर प्रोजेक्ट मार्बल प्रोजेक्ट हाइव प्रोजेक्ट वीपिंग एंजल प्रोजेक्ट स्क्रिबल्स इसमें मैं इनका बस मोटा मोटा खुलासा दे है तो आप इन प्रोजेक्ट्स को नाम से पॉज कर करके देख लें क्या चेक कर लें इसमें जैसे स्क्रिबल्स है इसमें उन्होंने एक मैकेनिज्म तैयार किया था कि जो विसल ब्लोअर्स होंगे जब वो कोई डाटा लीक करेंगे तो इमेज के साथ एक हिडन और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी जाएगी वो जहाँ भी ओपन अप होएगी पता चल जाएगा कि इधर से कम्युनिकेशन हुई है तो वो विसल ब्लोर को पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी बनाई हुई थी उन्होंने काफी खौफनाक सी बात है ये। फिर इसी तरह जो प्रोजेक्ट वीपिंग एजल है, इसके अंदर इन्होंने कोशिश की थी कि स्मार्ट को हैक करें। अच्छा घरों के अंदर आपके होते हैं ये हमने सामने आपके बच्चे <coughs> काफी और वैलियन काफी आपका माइक्रोफोन ऑन हो गया है और वो रिकॉर्ड कर रहा है और आपका स्मार्ट टीवी का कैमरा चल रहा है सारी विंडोज़ की डिवाइस और ये मैं ओ एस की बात कर रहा हूँ कोई भी ओ एस उसके अंदर घोष के बैकडोर के थ्रू सारी स्पाइंग और लिसनिंग फिर ऑन द अदर हैंड मोबाइल जितने भी मोबाइल ओ एस हैं उनके थ्रू सारी हैकिंग तमाम लिनिक्स के इनके पास कुछ इसके अंदर प्रोजेक्ट्स हैं आप पढ़ेंगे उसके अंदर लिनिक्स के वो हैक करने के भी मेकेनिजम्स हैं टूल्स हैं और सी आई ए ने अब फिर मेन स्ट्रीम पर यह बयान दिया था कि तकरीबन नाइन्टीटी वन आउट ऑफ फाइव हंड्रेड टूल्स इन्होंने एक्सपोज कर दिए हैं वन आउट ऑफ फाइव हंड्रेड टूल्स वॉल्ट सेवन में एक्सपोज है और फिर यहाँ ये रुका नहीं था वॉल्ट सेवन के बाद वॉल्ट एट आया जिसके अंदर इसने इनके सोर्स कोड भी निकाल दिए थे पढ़ो देखो कहाँ वीक पॉइंट है उसको यूटिलाइज करो या उसको नेविगेट करो जिस तरह भी तुम लोगों ने देखना है अब वॉल्ट सेवन एक पर्सनल फ्रंट है सी आई ए खुद क्लेम करती है कि हम तो बहुत बड़े हैं है। उन्होंने वॉल्ट सेवन निकाल दिया फनलीफ उस वक्त ये जरा अमेरिका से थोड़ा सा क्वेश्चन चाह रहा था कि यार थोड़ा नरमी कर दो ओ दो हजार पंद्रह दो हजार सोलह है। बाद सतारह में वार्ड सेवन सोलह में ये डी एन सी वाले वॉल्ट सेवन होता है और वॉल्ट सेवन के बाद वॉल्ट एट आता है लेकिन वो इतना नहीं है वॉल्ट सेवन मेन चीज थी उसके बाद पहली दफा विकी लीग की हिस्ट्री में अमेरिका ने विकी लीग्स को जूलियन असांच को डिक्लेयर किया था एक एंटी स्टेट एलिमेंट एस्पिन ये जब उन्होंने कहा तो इसके आस पासन एम्बेसी के बाद यह मेन स्ट्री मीडिया रिपोर्ट्स हैं लोग कहते हैं कि वहाँ सो मच सो हर दूसरा बंदा जो है ना वो इंटेल के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसको पैसे मिल रहे थे यार कोई भी नहीं भी। नहीं सिक्योरिटी जो एजेंसी हायर की हुई थी, थी ना एम्बेसी ने जिनको मिलियन डॉलर्स पे किए टू तो प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द एम्बेसी एज वेल वही स्पाई कर रहे थे उनके लिए

उस पीआर की महारत दिखाते हुए उन्होंने शो किया कि यार हम तो साथ हैं ये तो फ्रीडम लवर है तो हम तो ट्रूली फ्रीडम लवर्स के साथ हैं तो उन्होंने उन्होंने उसको फिर ये बयान दिया था और फनी इनफ एक इनका आपस में जो तो मुकाबला था वो बताना है। वो अभी मत इनफ अगर आप एक्चुअली भी देखें ऑन ग्राउंड सारे ब्लोअर्स प्रोमिनेंट कहाँ बैठे हुए रशिया रूस एडवर्ड स्लोडन रशिया में यूनियन असांज

रशियन चाहते थे एनर्जडली कि अगवा करके उसको रूस ले जाएं और दिखाएं कि हमने इसको बचा लिया और अमेरिकन चाहते थे, थे इसको हम अगवा करके अमेरिका ले जाएं और इसको सजा दिलवा दें हम कानून के काफी रेस टू द मून फील्स थी कानून <laughs> <laughs> के कौन कौन पहले आसान जैसे लाइक रेस टू द बिगेस्ट हॉलीवुड और आसान इन बिटवीन ऑल ऑफ दिस आसान जो है वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था अब जो ऑस्ट्रेलियन लीडर बन चुका है ब्रो जितना जो अपोजिशन लीडर थे वो कहते थे कि हमारा लड़का है ही इज बॉय इसको हमने आज़ाद करवाना है कैसा लगे तुम्हें ईरान या नॉर्थ कोरिया जो कि रोग स्टेट्स हैं वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन को बंद करके रखें पिंजरे में और हम ऐसे बिहेव करें कि हम बड़े ना चले अमेरिका साहब दे दें हमें बच्चा जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया लीडरशिप में आ गया तो वो भी है ये अमरीका बहादुर से बात करेंगे तो फिर बताएंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यूके और अमेरिका इतने घटिया रोल में क्यों हैं आप नोट करें क्योंकि अमेरिका की जंगों में ना दो साथी उसके हमेशा साथ रहें हैं फ्रांस और जर्मनी ने हमेशा अड़पस किया है लेकिन यूके और ऑस्ट्रेलिया आर जस्ट पैथेटिक एक्सटेंशन ऑफ अमेरिका बोथ इन आइडियोलॉजी इन पोलिटिकल फलासफ़ी इन जियो स्ट्रेटी वो उसके अलाकार पूरी तरह हैं वो डिपेंडेंट्स हैं उसके दो तो इवन इस तरह ही कभी टेंडेंसी शो करता है कि वो अमेरिका की पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाए लेकिन यूके और ऑस्ट्रेलिया ने इन जंगों के अंदर अपनी फौजें अपनी रिसोर्स प्रोवाइड की हैं और यू you नो know, डू मोर डू मोर वाला हिसाब है इन दोनों का तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो बकरी हो गया इवन तो वो अपोजिशन में जब उनका लीडर था तो वो बड़ा कह रहा था बयानिया बना रहा था कि बड़ा कि मैं बड़ा यू नो खिलाफ हूँ ड्रोन स्ट्राइकों के लेकिन हुकूमत में आके कुछ और ही मामला था उसका तो ये भी वो जिस तरह हमारे यहाँ कहते थे ना तो क्या कहते होते हैं वो यही कि वो ड्रोन स्ट्राइकों के खिलाफ हूँ और मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ तो मैं तो इधर एक फिर हुकूमत में आके सी पैक को रोल बैक कर देते हैं <laughs> तो उसी तरह उसी तरह वो भी जो हुत में आए तो उन्होंने कहा सांझ वो कौन है कौन फन फन फैक्ट नॉर्थ कोरिया की भी बात हुई है तुझे याद है कुछ अरसे पहले सोनी के लीक्स हुए थे हाँ याद आ रही है सोनी के लीक्स भी विकी विकी लीक्स ने किए थे सोनी बहुत बड़ी बड़ी पोलिटिकल पार्टीज के साथ उसकी बहुत ज्यादा करप्शन जो था, पी तो तो था वो लीक हो, लीक हो गया और ये नॉर्थ कोरिया ने करप्शन किए के खिलाफ फिल्म निकाल रहा था सोनी जो सोनी ने करवाई थी वो जो फिल्म है जेम्स फ्रेंको की और रोगन की जिसमें वो डिक्टेटर को मिलने याद है ना वो सी डिक्टेटर नहीं जाते हैं Yeah, हाँ yeah, हाँ yeah. हाँ हाँ जो और वो इस तरह की जिस तरह बेहूदा पैरडी अमेरिकन बनाते होते हैं उन लोगों को वे जिस तरह जब कसाफी वगैरह को वेलीफाई करना था दिव दिवी उनके खिलाफ महाज बनाना था तो उस बार कोहन बांर उनका नाचने वाला जो एक है वो द डिक्टेटर उसने बनाई थी जो आम मुसलमान बच्चे पाकिस्तान इंडिया वगैरह में देख के कहते हैं पता नहीं कि बड़ी फ़नी है अगर आप उसकी पॉलिटिकल थोड़ी सी आप उसके पर्दे के पीछे रीड थ्रू करें ना आपको समझ आएगा कि वो एक्चुअली आपकी पूरी उसको आपके निज़ाम को जड़ से उखाड़ने के लिए ये प्रोपोगेंडा होता है मतलब तो काजस्तान को उसने कैसे दिखाया बुरात फिल्म के अंदर वो कैसे कुछ दरिंदे दिरं, रह रहे हैं और वो जिप्सीज़ को कैसे एक्सप्लॉय किया उसने वो जिप्सी टाउन के अंदर तो ये बेरहम से लोग हैं ये हॉलीवुड जो है ना ये 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 एक्चुअली ये एक जादू का अड्डा है आपकी आंखों में शराब और जादू जादू इट्स मैजिक अग्री देखिए इससे बड़ा क्या ये क्या है यार ये तवीें टोनों में बकवास करते रहते हैं कि मेरे पे जादू हो गया मुझे बुखार हो रहा है मुझे भाई असल जादू ये है कि आप मिलियंस ऑफ लोगों को कन्विंस कर लें ऑफ वट टू कंज्यूम वाट इज राइट एंड वाट इज रॉन्ग इससे बड़ा कोई जादू है कोई जादू नहीं इससे बड़ा वो हॉलीवुड सिर्फ एक प्रोगैंडा मशीन है हाँ कुछ बीच में फिल्मेकर्स अपनी के लिए बनाते हैं मूवीज अच्छी आप का देखें। है लेकिन वो। है वही जो हमारे मदरसे में मौलवी साहब कहते थे को, के का का है। सारे पाकिस्तान में हो या कहीं और हो तो ये बड़ा कहते हैं कि यू नो ऑस्कर ऑस्कर मिला हमें हमारी बेटी को ऑस्कर बताता हूँ कैसे ऑस्कर मिला और कैसे नोबल प्राइज मिला किसको तो वो बहरहाल

उसका वही वाले सी आई एन बहुत बेरहम महकमा है और उनकी बड़ी एक साख है और बड़ी एक आकड़ है और बड़ी टें है उन्होंने फिर कहा भी ग्लव्ज ऑफ और ओबामा से भी बदतर विसल ब्लोअर्स के खिलाफ पॉलिसीज़ को इख्तियार करते हुए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अंडर द गाइडलाइन ऑफ माइक पम्पेयो चट दौड़े इसके ऊपर असान के ऊपर पहले उन्होंने वो एक डील बनाई इनको एक फंड मिलना था एक्डोर को

तो वो जो ियन नया प्रेसिडेंट था उसने फिर एक जाली सा वाना बनाया उसने कहा यार ये कमरे को गंदा बहुत रखता है, इसकी बिल्ली है वो गंद बहुत मचाती बाकी। yes. इस का उसने और उसने है तो फॉरन अरेस्ट कर लिया खैर तीन चार साल बाद पता चला कि एक्चुअली हुआ यह था कि अमेरिका ने एकुडोर को फंड्स प्रॉमिस किए हुए थे अप टू फोर नाइन्टी डॉलर्स फ्री और वो अमेरिका एड की, की मद में और वो अमेरिका वाया गोल्डमैन सैक्स उनको पे कर रहा था उनका वहाँ बहुत बड़ा कोई डेवलपिंग बैंक है यूएस एस बैक टी है वो अमेरिका ने बातों बातों में ना उनके डिप्लोमेट ने कहा कि यार फिर हम ये रोक लेते हैं ना अभी आसान वाला मसला एक दफ़ा हल हो जाए उन्होंने कहा यार बहरहाल फिर इस वक्त तीन चार साल से उसको अनह्यूमन हाई मैक्सिमम सिक्योरिटी जो प्रिजन होता है उसमें रखा हुआ जहाँ पे कातिल और रिपस होते हैं बदहाल कंडीशन के अंदर और कहते हैं टॉर्चर मेरी हालात है बहुत भी हो गया, और, मेंटली भी। और तीन चार साल से यूके गवर्नमेंट ने विदाउट विदाउट एनी एनी वारंट क्राइम कमिटेड उसको जेल में रखा हुआ है होल्डिंग में 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 नहीं प्रिजन में, प्रिजन में। तो ये आप खुद देख लें यूके गवर्नमेंट के भी जो क्या हालात अलंबरदार बनते हैं फ्रीडम के लेकिन अपने अब अमरीका की वो कुछ भी करने को तैयार है कुछ भी नहीं जब आप पूछे सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे ना किसी की हिम्मत है उनसे पूछने की थे उनको निकल के यूट्यूब पे आना पड़ा इसको पहले भी मिसाल दी थी ना जो ग्लैंड ग्रीन वर्ल्ड साहब थे जिस तरह ये लाइक ही वॉज टू मैनिंग ग्रीन वर्ल्डन तो वो ही हैड टू क्विट दी मेन स्ट्रीम न्यूज़ वो अब ब्राज़ील में रहते हैं और वहाँ से वो YouTube चैनल चलाते हैं ये सेम और देख रहे हैं जो फॉक्स न्यूज़ का टकर कार्लसन साहब है वो कुछ ट्रूथ लवर थे वो वो यूट्यूब और ट्विटर पे आ गए हैं तो नहीं मगर मेरा सवाल ये है कि अगर उसको इस तरह उन्होंने होल्ड किया हुआ है नॉर्मली ये वेस्टर्न जो न्यूज़ एजेंसीज होती हैं एंड एज अ होल वो बहुत इस चीज़ के ऊपर तोजो देते हैं कि किसी को आप इस तरह विदाउट वारंट नहीं होल्ड कर सकते नहीं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ही ट्राई कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि बहुत बुरा प्रेसिडेंट होगा कि एक जर्नलिस्ट को इस तरह अरेस्ट किया जा रहा है लेकिन मेन स्ट्रीम को उन्होंने फुल टेक ओवर कर लिया स्टेट ऑपरेटर्स ने कोई गलत बात नहीं की प्रूफ नहीं हुआ अभी तक कोई रिपोर्ट की वजह से कोई बंदा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ अभी तक कोई बायसनेस नहीं है अभी तक ये कुछ और अभी भी फंक्शन कर रहा है सरप्राइजिंगली जी और एक्टिवली केसेस को सपोर्ट दे रहा है वहाँ से लोग डॉक्यूमेंट्स निकाल रहे हैं जैसे मैंने बताया फोर्टी थाउजेंड के करीब केसेस हैं एक्टिव जिसके अंदर वीकी लीग्स ने कंट्रीब्यूट किया ये कुछ क्या लें कि कॉन्ट्रीब्यूशन है या अचीवमेंट्स हैं जो कि वीकी लीग्स की गिनवाई जाती हैं तो इट्स वेरी हार्ड टू पिन समथिंग ऑन मिस्टर जूलियन असांच लेकिन उसके बावजूद उसको ड्रैग करने के पूरे मूड में एवी मार्टन मैक्स ब्लूम ग्रे जोन वाला नरन मार्टे जिमी डोर

सवाल ये है पहले वो जो असांझ वाली सॉरी स्टोडन वाली पॉडकास्ट में मैंने बात की थी कि सीक्रेट रखना आपके लिए मुश्किल है मेरे लिए मुश्किल है उनके लिए मुश्किल नहीं है लाखों का इंटरनेशनल अपराटर्स इज़ विलिंग टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट के एक दूसरे की वो पेट को नंगा होने से बचाए स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक वाली जो पॉलिसी होती है हम तो आम लोग हैं ना हमारी तो उस तरह की कोऑर्डिनेशन और उस तरह की रूल्स ऑफ द गेम और डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन है ही नहीं हम सुबह उठते हैं घर वालों को मिलते हैं नाश्ता करते हैं दफ्तर आते हैं घर जाते हैं कोई जिम विम को खाना पीना खेल कूद करते हैं जो लोग लिव ब्रीद ईट रिपीट कर रहे हैं ना स्टेट ऑफ मेकनिजम्स को और इन बड़े बड़ी कॉरपोरेशन के अंदर और बड़े बड़ी न्यूज़ एजेंसीियों के अंदर वो बहुत वेल well इक्विप्ड हैं टू कोऑर्डिनेट टू कोऑपरेट एंड टू टू गेट विद द प्रोग्राम तो इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू नॉट अलाउ दिस टू बिकम आप आप देखें आप कोई भी इंटरव्यू निकाल लें कोई भी आप न्यूज़ स्टोरी निकाल लें जूनियर सांझ की मेन स्ट्रीम की पाँच पाँच साल पुरानी सात सात साल पुरानी यानी सात साल में पाँच साल में उसकी कोई अहमियत ही नहीं रही अहमियत ही नहीं रही लार्जेस्ट डेटा डंप

रिलीज़ किए थे यार मतलब बंदा ये पढ़ना शुरू हो जाए वो खत्म ही नहीं होते और मैं अगर ये बताऊँ जो मेन स्ट्रीम नेरेटिव है वो क्या बनाते हैं कि ये मुसलमान इंसानों को ह्यूमन शील्ड बनाते हैं ये टेर्रिज़म करते हैं ये जंग नहीं सही लड़ते ये डरपोक हैं या फे या टींग हैं अगर इनमें हिम्मत होती सीधी लड़ाई करने की ना तो ये सारे तमाशे ना करते पूरी आप देखें पूरी हॉलीवुड पूरी इंटरनेशनल प्रेस पूरे सोशल मीडिया एक तरफ है और मुसलमान एक तरफ है उसके बावजूद अल्लाह ने इतना कदम किया सबत के ऊपर कि कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा करके अपनी चीज़ ले लेते हैं और ये सिर्फ़ हमारे रसुल्ला की उम्मत ही होने के तो फ़ैयाल में मिलता है साढ़े तो कोई कारनामे नहीं हैं सल्लम हमारे तो कोई कारनामे नहीं हैं और जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं गोरे और मैं गोरों को डायरेक्ट अब बात कर रहा हूँ यानी मैं कोई ढकी छपी बात नहीं है दे आर द मोरल सुपीरियर ऑफ नो वन एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए और मैं इस मामले में इंडिया को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो अपनी सकाफत और अपनी मजहबी तहजीब और अपनी तारीखी तहजीब को उन्होंने कुछ अटेंशन काफ़ी दी है पिछले सत्तर अस्सी साल सत्तर पचहत्तर साल में कि भाई हम भी कोई कौम थे हम भी कोई लोग हैं बहुत अच्छी बात है उसमें कुछ एक्सट्रीम बिहेवियर्स हैं मैं आपको पता है वो फैशिज़म के वो मैं तो क्लियरली ख़िलाफ़ हूँ हिंदू फैशिज़म के लेकिन एक पॉजिटिविटी का पहलू भी है कि यार वो अपने आप को पहचानते हैं इस तरह और कॉमें दुनिया के अंदर ब्राज़ील को देख लें आप साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में जनरली मुल्कों को देख लें अफ्रीका के मुल्क बड़ी हिम्मत पकड़ हैं अब तो मुसलमानों को भी होश के दाखुल लेने चाहिए कि जो मॉल सुपीरियरिटी और अथॉरिटी हमने पकड़ाई हुई है ना वेस्ट को स्पेसिफिकली ये एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट वेस्ट जो है इसमें अमेरिका यूके ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये शामिल हैं और इनके एलाइज तो वो ना कोई मॉरल सुपीरियर है किसी के और ना ही वो डिक्टेशन की पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं हाँ इसके रिस्पांस में हमें भी इंसुलर किस्म की किस्म की फैशम की तरफ नहीं जाना चाहिए चाहे वो मजहबी हो चाहे वो सकाफती हो चाहे वो कल्चरल हो लिंग्विस्टिक हो रेशल हो यानी हमें भी इसके बियॉन्ड राइज करना चाहिए रिएक्शनरी फ़िलोसफीज़ हमारी नहीं होनी चाहिए हमारी एक एक्चुअल प्रोग्रेसिव और अपनी एक सकाफत है जो है इस्लाम और इस्लामी तहजीब मतलब उसका एक निज़ाम है उसका एक उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन उसके ऊपर ग्रोथ उसके ऊपर मेंटल मॉडल्स हमारे तैयार होने चाहिए ये रिएक्शन करके हम कोई फैशिस्टिक रिजीम्स क्योंकि आप जब तक इनकी गेम से बाहर नहीं आएंगे ना जो इनके फाइनेशल निज़ाम का जाल है जो इनका इंफॉर्मेशन की फ्लो का जाल है इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें से बाहर नहीं आएंगे तो यही लेफ्ट राइट खेल पीपल पार्टी नून लीग पी टी आई जमात इस ये खेल कूद चलता रहेगा ये खेल कूद चलता रहेगा एक मुसबत डायरेक्शन नहीं बनेगी आप हिम्मत पकड़ें आसान जो और स्नोडन से कि यार ये अपनी कौम को एक्सपोज नहीं कर रहे इसलिए क्योंकि अपनी कौम को गंदा करना चाहते हैं ये अपनी कौम की सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम हिम्मत करें मैं नहीं कह रहा हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे महकमों के खिलाफ इस तरह कर लें हम तो कलेप्स कर देंगे स्टेट्स ये बात नहीं कर रहा मैं इंटेलेक्चुअल इसलाह की बात कर रहा हूँ मैं मैं किबले दुरुस्त करने की बात कर रहा हूँ आइडियोलॉजिकल फिलोसॉफिकल कीबले जो है हमारे वो क्लो ही नहीं है जो इस इसमें जूनियन में भी सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम लगा था एंड पे आके वो ये लगा था कि यार इसने हर जगह की लीक कर दी है इसने इंफॉर्मेशन इसराइल की नहीं हुई रशिया की नहीं हुई रशिया के ऊपर अगर आप विकली इस पर जाके एक थोड़ी सी सर्च मारें एट हंड्रेड थाउजेंड से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं इसराइल पर भी पता नहीं हंड्रेड थाउजेंड है तो कोई कंट्री नहीं है जिसके ऊपर इसने

तो सिर्फ हमें है। <laughs> तो तो भी नहीं पता है एक चाल मुसलमान चलता है एक चाल मुसलमान का दुश्मन चलता है और एक चाल अल्लाह चलता है अल्लाह क्या चाल चल रहा है वो तो अल्लाह ही जाने मकर और फरेब का के अल्लाह ने कि मैं मकर का चला रहे तकमीरी नज़ाम को दुनिया के तो यानी एक मिसाल दूंगा इसमें तंजीम इस्लामी के एक्स मेंबर हैं मैं बड़ा उनका फ़ैन भी रहा हूँ और मैं फॉलोअर भी हूँ इन शाला उनको भी पॉडकास्ट बुलाएँगे खालद महमूद अब्बासी साहब जो है बड़े और बड़ी फ्यू फॉलोइंग हैं उनकी लेकिन उनके कुछ ऐसे इलमी पॉइंट होते हैं जो बहुत हिट करते हैं उन्होंने कहा यूसफ़्लम को उनके भाइयों ने तो कत्ल करना था ना तो एक भाई ने कहा हम नहीं। उसको ब्रेन वेव आई वो कहते हैं ब्रेन वेव आई उसको कि हम नहीं कत्ल करते ये ख़ुद मर जाएगा कुएँ फेंक देते हैं फिर लोग उसको आए उन्होंने यूसफ्लाम को पा लिया ना कुएँ के अंदर स्लेवर्स थे जो 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 गनीमत के तौर पर लोगों को बेचा करते थे उन्होंने उसको कह दिया बनाया कि खूबसूरत जवान है पढ़ा लिखा है पर्सनैलिटी है बड़ा महंगा दाम मिलेगा इसका मिसर में एक इजिप्शियन कैपिटल में जब जाएंगे तो किंग्स इसको ख़रीदेंगे बड़े लोग खरीदेंगे तो उन्होंने इस नीयत से किया फिर आगे अजीज़ मिसर जो था इस कुरान में जिक्र आता है उसने खरीदा भाई क्योंकि जवान बेहतरीन मुलाजिम मिल रहा है मुझे खाद मिल रहा है उसने इस नीयत से अपनी नीयत से लिया करते 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 अल्लाह ने उनको ट्रेनिंग ला के मिसर का बादशाह बना दिया असल में यूसुफ़ यूसफ को मिस्र का बादशाह बनाना मकसद था तो वो अल्लाह चाह रहा होता है इंसानों की जो मंशा होती है डिज़ायर होती है वट दे आर प्लानिंग वो तो एक बड़ी एक यानी इसमें एक मौलाना रूमी जो है अलमशहूर सूफी पोइट और राइटर उन्होंने कहा कि इस तरह एक समझो कि एक मोजेक है बहुत खूबसूरत कारपेट है इस तरह आप देखें ना पर्शियन और ट्रकश और अरब कल्चर में जो कारपेट्स की वीविंग है उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती दुनिया में इतनी खूबसूरती कहते हैं एक मोजेक है बहुत खूबसूरत रंगों का आप कॉरपेट का उस पर इंसान चूंटी की तरह वो चल रहा है उसको है फेजड शेप्स नज़र आ रही होती हैं लेकिन जो वीवर है ना जो गंडता है ख़ुद कारपेट को उसको पूरा मज़ेक नज़र आ रहा होता है तो ये अल्लाह जिस तरह देखता है यूनिवर्स को और अर्थ की ये जो हमारी मेजिनेशन और, और ये सीटा और सेंटो और यू एन और एन और ये और एन पी टी पी और हम तमाशे कर रहे होते हैं लेकिन अल्लाह तो पूरे निज़ाम को देख रहा है तो अल्लाह ने वही करना है जब वो चाहता है तो अल्लाह पर भरोसा रखते हुए हम कहते हैं कि ये बड़ी नीमत है कि ये लीक्स है। मतलब वरना आज हम भी डफरों की तरह सारे मतलब अमेरिका फॉरवर्ड वेस्टर्न फॉरवर्ड हम सारे वही होते ना यार वही वाली बातें हम भी कर रहे होते बनना है हमने जैक जैक क्या नाम उसका जैक डोरसी कैसे बनना है हमने ट्विटर मैं ना लिख के लाया था अपने साथ लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स थोड़ी सी हैं विकी लीग्स की मैंने उसको बस समराइज़ <coughs> किया ये मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा था मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा किया था अभी चेक कर ले नंबर वन विकी लीग्स जो है ना वो एक विसल ब्लोअर हेवन बन चुका है क्योंकि वो करंटली फंक्शनिंग है बड़ी बात है तो जो भी विसल ब्लोअर है वो पहले प्रेफर करता है कि वो विकी लीग्स जाए यही बहुत बड़ी बात है नंबर टू एनेबल्ड विक्टम्स ऑफ प्रोसिक्यूशन टू गेट एविडेंस एडमिसिबल इन कोर्ट क्योंकि वो हमने पहले पॉडकास्ट में एक्सप्लेन किया आप देख सकते हैं हंड्रेड परसेंट एक्यूसी रेट स्टिल सब पब्लिशिंग मैंने आगे लिखा है सम हाउ क्योंकि पूरा ब्रांच ऑफ द सी आई एफ बी आई दुनिया डेवेलप्ड और मेड फेमस थी इंक्रिप्टिव डॉक ड्रॉप बॉक्स टेक्निक जिसको मॉडर्न जर्नलिज्म uh, कहते हैं टेन मिलियन डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी लाइब्रेरी पे आज के, आज तक इस्तेमाल हो रहे हैं सिटीजन मीडिया के लिए रास्ता बनाया उन्होंने ये एक नया कल्चर हमारे दरमियान आया पिछले दो तीन मे सालों में ये सोशल मीडिया के थ्रू यूज़ करके आम बंदा भी चीज़ देख सकता है और वो विकी लिक्स पर पोस्ट कर देता है कि यार मैं जाके कहीं और जमा कराऊंगा चीज़ डिलीट हो जाएगी मैं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाऊँगा मैंने इधर से बैठे बैठे सीधा विकी लिक्स पर चढ़ाऊ आप जुड़ा सकते हैं मैं चुड़ा सकता हूँ सिटीजन मीडिया पब्लिश लीक्स ऑन एवरी वन नो बायस ये भी हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है और आखिर में मैंने लिखा है कि जूलियन असांज सेव द लाइफ ऑफ एडवर्ड स्नोडन क्योंकि विकी लिक्स उसके बीच में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एडवर्ड स्नोडन ने हमें बताया था कि सर्वेलेंस स्टेट

खैर थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू गाइज फॉर बींग द फर्स्ट पॉडकास्ट गेस्ट हाँ न्यू सेटअप में अभी कंप्लीट नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ अभी और इंशाल्लाह खूबसूरत तो और शानदार चीजें ऐड होंगी इंशाल्लाह और इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर अगली पॉडकास्ट में आप एक चीज मेरी सिर्फ है कि आप कमेंट्स के अंदर बता दें कि इनके अंदर जो हमने सब्जेक्ट्स डिस्कस किए हैं आई होप इस पॉइंट तक कोई पहुंचा है वो फर्दर जो आप एलेब्रेशन चाहते हैं कि सब्जेक्ट की वो कमेंट कर दें प्लीज़ इससे रेलिवेंट या इससे नॉट इस बट इस जनरल वेन के अंदर कोई स्टोरी है जो आप सुनना चाहते हैं right. कुछ डिस्कशन चाहते हैं वो बता दें और जो रिसर्च पॉइंट्स या होमवर्क पॉइंट्स दिए हैं ना उन पर ब्रा करम देखें

So. <laughs> Wait. That's it. That's the end of the podcast. Nice.